ऑल राइट, जे की आर्मी तैयार है तो फटाफट से लेट द मैजिक बिगिन इन द चैट सेक्शन। तो एज प्रॉमिस्ड आज करने वाले हैं आपके ऑल ट्रिक्स एंड हैक्स विद आपके PYQ। सो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेशंस कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम आपके सारे के सारे करने वाले हैं, हेयर इट इज, राइट। सो दीज आर गोइंग टू बी ऑल द ट्रिक्स प्लस हैक्स जिनको हम डिस्कस करेंगे। अभी आगे देखते जाओ, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डिस्कस हो रही होंगी। हो सकता है इनमें से कई सारी आपने मेरे साथ पहले भी देखी हो, बट डोंट वरी, है ना, सारे के सारे मचाने वाले हैं। ये देखो, सो 22 ट्रिक्स एंड हैक्स आप लोगों के साथ सॉल्व होने वाले हैं विद PYQs। तो सारे के सारे बच्चे रेडी? एब्सोल्युटली, कर लें स्टार्ट। ओके, अच्छा, तो एक चीज स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने बच्चों को बोला, आप लोगों के लिए लिंक भी पिंड है tinyurl.com/jeeviwithnehamam। जिन बच्चों को नहीं पता, दीज थ्री ग्रीन बटन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज राइट नाउ, यानी कि टॉप 200 PYQs ऑफ 2023, टॉप 109 PYQs ऑफ आपका 2022, प्लस यहाँ पे आपको फाइनल चेकलिस्ट विद फॉर्मूला रिवीजन एंड मॉक पेपर्स मिल रहे हैं। हालांकि अगर किसी भी सेशन को इन डेप्थ थोड़ा सा करना चाह रहे हो तो वो 2.0 के सेशंस आपको यहां पर मिल जाएंगे विद कंप्लीट रिड्यूस्ड थ्योरी। एवरीवन रेडी? चलो जी, देन लेट्स बिगिन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन द लिस्ट, ठीक है। तो काफी तगड़ा सेशन रहने वाला है। एंड हाँ, एक और चीज, 99 आपको जैसे मैंने दिखा रही थी मैथ सुपर शॉर्टकट्स की, जो, अरे चलो मैं दिखाती हूँ, 99 ऑलरेडी ट्रिक्स इस चैनल पर है जिसमें से हमने छांटी है ये चीज स्पेशली आप लोग के लिए। आई थिंक अब स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर वन, एवरीबडी देखो बॉस, लाइक अपने आप बढ़ जाने चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। रैंक ऑफ अ वर्ड अंडर द सिचुएशन, जब आपका रैंक ऑफ अ वर्ड में कुछ रेपिटिशन हो, ठीक है, रेपिटिशन हो, रेपिटिशन नहीं हो, इन बोथ द सिचुएशंस इसको कैसे करते हैं। आई एम श्योर यू वुड हैव सीन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स। ये देख लो जी, मैंने बेसिकली आपके पिछले 4 से 5 साल के ऐसे सवाल चुन के निकाले हैं जो सारे के सारे PYQs हैं, इधर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, एंड दिस स्टिल कंटिन्यूज। तो 2016 से लेकर अगर मैं देखूं, ये सारे रिपीट हो जा चुके हैं। चलिए एक सवाल विद रेपिटेशन वाला, एक सवाल विदाउट रेपिटेशन वाला आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, एंड बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आ जाओ मेरे साथ, रटा रटाया आंसर कोई नहीं बताएगा, मुझे प्रोसीजर समझाओगे। लेकिन इस ट्रिक के ना कुछ कंडीशंस अप्लाइड होते हैं, तो वो भी जरा यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देती हूँ कि इस ट्रिक की कंडीशंस क्या अप्लाइड होती है। आप ये कब लगा सकते हो? व्हेन ऑल वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर, ठीक है, ऑल वर्ड्स आर यूज्ड। मतलब ऐसा नहीं हो रहा होगा कि मैं आपको बोल दूं कि यार आपके अल्फाबेट में 7, मतलब आपके वर्ड में 7 लेटर्स हैं, लेकिन मैं कोई भी 4 यूज करके बना रही हूँ, फिर ये ट्रिक नहीं यूज हो सकती। ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड आर गेटिंग यूज, तभी आप इसको लगा पाओगे। आ जाओ, जनता पब्लिक क्या कहती है। अब तो यार हजारों बार आपने मेरे साथ सेशन सॉल्व करते हुए इनको देख लिया होगा, कैसे कैसे करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो उसको सीख लो, अदरवाइज अगले 5 मिनट में हम दूसरी ट्रिक पे होंगे। आपने इसको फैला के लिख दिया एंड, अब इसकी नंबरिंग कर दी, अरेंजमेंट, बी सबसे पहले आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, फिर पी, फिर यू। अब आपने बेसिकली लेफ्ट टू राइट कैसे जाना है और राइट टू लेफ्ट कैसे जाना है, ये सारा खेल है। राइट टू लेफ्ट तो जी कुछ भी नहीं होता प्रिटी मच, ठीक है, अरे राइट टू लेफ्ट तो आपका लिटरली कुछ भी नहीं होता। आप क्या करते हो, स्टार्टिंग करते हो 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, करेक्ट। मेन मुद्दा आपका क्या आता है, लेफ्ट से राइट कैसे जाते हो। अरे हम इतना ऊपर क्यों उड़ गए हवा में, इंसान को ग्राउंडेड रहना चाहिए बेटा। 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial and 5 factorial, ठीक है। अच्छा, अब इसका कैसा होता है, आपने जो भी करंट वर्ड है उसकी राइट साइड पे देखना है,
ठीक है, उसके राइट साइड पे देखना है कि कितने नंबर छोटे हैं उससे, इक्वल नहीं छोटे हैं। तो 5 को फिक्स कर दूं तो 1, 4, 3, 2, 4 छोटे हैं, बस आप यहां पे 4 लिख दीजिए। 4 छोटे हैं बस यहां पे आप 4 लिख दीजिए। कोई रेपिटेशन इस सवाल में है नहीं, ये सवाल नो रेपिटेशन वाला है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ो, 6 से कम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 लिख दिया। अब आपने देखो एक बार ये खत्म कर दिया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, आगे बढ़ो। 1 से छोटा कितना है, कोई भी नहीं। 4 से छोटे कितने हैं, 2 हैं। 3 से छोटा कितना है, 1 है, एंड ये 0 है। अब आपने आपस में करनी है इनकी साइमल्टेनियस मल्टीप्लीकेशन, एंड फिर चीजों को बस ऐड कर देना है। तो ये तो जी आपका 0 दे जाएगा, ये आपका 1 दे जाएगा, ये आपका 4 दे जाएगा, एंड आप सबको ऐड करोगे। ये आपका फिर से 0 दे रहा होगा, यहां पे आ जाओ। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 इंटू 4 कितना बना। अच्छा सारे के सारे बच्चे ऑप्शन ऑलरेडी दे रहे हैं मुझे, ये आप कर दो तो 120 इंटू 4 480, यानी तो ये कितना हो जाएगा यार, 4, 3, 24 and 4। अरे बेसिक मैथ भूल गए, हाई लेवल मैथ पढ़ाते पढ़ाते 96, ठीक है। इन सब को ऐड करोगे, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे, उसने एग्जैक्ट सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड मांगा है या उससे एक पहला मांगा है। अगर तो ऑफ द वर्ड मांगा है तो इस सब को आप ऐड कर दोगे, एंड जैसे मेरी जनता ऑलरेडी बोल रही है कि इसका आंसर 582 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपका 582 आ जाएगा, आप ऐड करके देख लेना। कूल है एवरीबडी, ये आपका स्टैंडर्ड मेथड होता है, स्टैंडर्ड मेथड नहीं, हम तो ट्रिक वाले मेथड पे जा रहे हैं। अब आ जाओ मैनकाइंड, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंदर रेपिटेशन है, सो ये वाला सवाल है विद रेपिटेशन वाला, ये वाला सवाल है विद रेपिटेशन वाला। वैसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं 2.0 की जब मैंने सीरीज करी थी आपको सिखाए थे, ओके। तो मैनकाइंड लिखा आपने, वही काम करना है, इसको फैला के लिख दो। देखो आज के सेशन में आपको PYQs ही मिलेंगे, तभी लगेगा ना कि यार ट्रिक एक्चुअली लगती है, हवाबाजी नहीं है, है ना। अब इसको रैंकिंग करो इनकी, ए सबसे पहले आ रहा है, फिर डी आएगा ऑब्वियसली, फिर ई एफ जी एच आई जे के, अच्छा अब एम और एन देखो दो बार है, दो बार है तो दोनों को रैंक 6 मिलेगी। भैया वी बिलीव इन इक्वालिटी, जो सेम है उसको सेम ही रैंकिंग मिल रही होगी, ये चीज समझ में आ गई है एवरीबडी, हम लाइक दबाते जा रहे हैं। चलिए जी बहुत बढ़िया, ओके ओके। अब फिर से वही ट्रिक, लेफ्ट टू राइट आपने कैसे मूव करना है और राइट टू लेफ्ट कैसे करना है। तो राइट टू लेफ्ट तो कुछ है ही नहीं, 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial, ओके ऑल राइट। नेक्स्ट अब हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो 5 से छोटे कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 है। क्या इसके अंदर मुझे रेपिटेशन मिल रही है, डिड आई सी एनी रेपिटेशन, हाँ जी रेपिटेशन है। देखो ये जो आपका 6 है ये दो बार आ रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से। क्या ये चीज मेरे बच्चों को क्लियर हो गई है, येस और नो? अरे चार्ट्स में आग लगनी चाहिए, येस और नो? ठीक है अच्छा अब ए के ऊपर आ जाते हैं, ए से छोटे कितने हैं, कोई है ही नहीं, मार दो गोली। 6 से छोटे कितने हैं, अब यहां पे ध्यान देना, 6 से छोटे इक्वल नहीं, सो आई हैव 1 ये एंड 3, 3 ऑफ देम रेपिटेशन है, हंजी है इफ आई इंक्लूड दीज 2, सो 2 फैक्टोरियल। अब कोई रेपिटेशन का स्कोप नहीं है बिकॉज ऑल दीज आर डेड। अब 4 रैंक से छोटे कितने हैं, 3 and 2, 2 है, रेपिटेशन है नहीं यार, एन कट चुका है। अच्छा 3 से छोटे कितने हैं, 1, ठीक है ये कटते जा रहे हैं। 6 से छोटा कितना है, 1, डी तो भैया वैसे ही साइड में बैठा है। अब यही आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है एंड अंत में इन सबको ऐड कर देना है टू गेट योर आंसर 1528। अरे यार ढंग से एक बारी करो, ढंग से एक बार सबके सब कैलकुलेशन कर लो, यस और नो? डन, आई थिंक आप इसका आंसर दे दोगे। 1528 तो नहीं आ रहा बेटा, जरा चेक करो, जरा चेक करो, इसको दोबारा से खोल के देखो, यही सारा कुछ किया है, आंसर इज 1492, क्योंकि प्लस 1 आप डेफिनेटली अंत में करोगे, ठीक है, इनको ऐड करके प्लस 1 आप करोगे क्योंकि सीरियल नंबर ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड मांगा है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि यार इसके अंदर बहुत सारे और सवाल आ चुके हैं,
तो ये सब आप ऑलरेडी अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आइडिया ये है कि आपको कम से कम समय में सारे ट्रिक्स एंड हैक्स सिखा दिए जाए। ट्रिक नंबर टू, आर यू रेडी विद मी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ट्रिक। एंड ये जो लिंक्स हैं ये एक प्रूफ देते हैं आपको कि ये सारी की सारी ट्रिक्स ओरिजिनली इस चैनल पर बनी हुई हैं, 4 साल पहले ओरिजिनली इस चैनल पर बनी हुई हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ट्रिक। यानी कि इफ आई कम अक्रॉस अ सिचुएशन जहाँ पे माई लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रहा है, तो आप क्या करोगे? दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एंड जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट पूछे, ये तो मैंने डायरेक्ट वाले आपके सामने लगा रखे हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आर सच कि कहीं बीच में ये फॉर्मेट आ गया है, तो इसको समझो। ट्रिक क्या कहती है, आ जाओ जो पहली बार देख रहे हो इस ट्रिक को। If you come across this, कि भैया ऊपर भी एक polynomial function है, नीचे भी एक polynomial function है, ये मैं आप पहले भी करा चुकी हूँ, अगर आपका numerator की degree denominator की degree से छोटी है, like numerator is छोटा, denominator में infinity है, numerator छोटा है, तो वो zero पे जाएगा, है ना। अगर numerator बड़ा है, मान लो मैंने आपको बहुत बड़ी chocolate दे दी और बोला यार छोटे से इक्का दुक्का लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो सबको ही बड़ा मेजर मेजर चंक मिलेगा, तो टुवर्ड्स इन्फिनिटी चले जाएंगे हम। लेकिन सिर्फ इसमें याद रखना कि टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाते हो या टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, वो डिपेंड करता है ये ए एम इंटू बी एन करोगे। अगर तो वो पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल किससे पूछा जाता है, आ जाओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे के सारे ज़रा हार्ट्स बिछा दें, हार्ट्स लगा दो। एंड ये वाली पीडीएफ देखो मैं तभी शेयर करूँगी जब मुझे सेशन खत्म होने से पहले ही 2500 लाइक दिख जाए, ठीक है। एम इज इक्वल टू एन, जब डिग्री दोनों के ऊपर नीचे सेम है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशियंट एंड इसकी डिग्री का कोफिशियंट ए एम बाय बी एन आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल ले रखा है मैंने, तो आपको पता है दोनों की डिग्री 2-2 है ऊपर नीचे, यहाँ 5 यहाँ 1 दिया, आंसर इज 5, ठीक है। ये सब आई थिंक गेस कर चुके हैं। आओ अब इस सवाल को मैं हटा रही हूँ, देखो ये आपका 2023 का है, बट ये पार्ट नहीं पूछा जा सकता आपसे क्योंकि ये लिमिट ऑफ अ सम का है। लिमिट ऑफ अ सम इज आउट ऑफ योर 2024 सिलेबस, मेंस के, एडवांस के नहीं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर हम क्या करें, लुक एट दिस वन। अब सबसे पहले तो मैंने देखा, मैंने कहा कि यार देखो सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं, अब इसके साथ वो कोई और पार्ट मिला के कुछ भी पूछ सकते हैं। हाउ डू आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मैंने कहा SIG में 2 तो कॉमन ले लेती हूँ तो ये आपको n आ जाएगा, राइट। अब यार देखो ये मत कहना कि सिग्मा n सारा आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि इतना बेसिक तो आप AP से जानते हो क्लास 10th की, तो n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। n n एक एक काट दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मेरे को क्या मिल रहा है, 2-2 भी कट रहा है, n प्लस 1/n। आपको नहीं लगता दोनों की डिग्री सेम है एब्सोल्युटली, 1/1 तो आंसर 1 है, हाँ जी S1 सही है। कितने बच्चे को 1 मिल गया आंसर, कितने बच्चों को 1 मिल गया आंसर? S2 में मैं जा नहीं रही क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है S2 में जाने का, वो सिलेबस में ही नहीं है आपके, बट आपको ट्रिक लगानी आ गई यहाँ पे, चले मंकी ट्री ट्रिक फिर से 4 साल पुरानी, इस चैनल पे अब तो शायद 5 साल ही होने वाले होंगे, आई गेस सब बच्चों की फेवरेट। जब भी आपको इसका क्या मतलब है, f(x) रेज टू पावर g(x) की फॉर्मेट दिख जाए, जहां पे आफ्टर आई पुट द लिमिट ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी की इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, इन दैट केस f(x) को हम पेड़ की तरह बुलाते हैं, मंकी को हम g(x) की तरह बुलाते हैं, और हम गाना गाते हैं बंदर को बुलाओ नीचे पेड़ को कटवाओ ना, तो आ जाओ। लिंक भी वैसे मैंने यहाँ पुरानी वीडियोस का लगा रखा है हर जगह, सवाल देख लो जी, आप सवाल देख लो, सवाल क्या बवाल मचाया हुआ है आपके बंदर ने, कूद कूद के सारी जगह आया है। अच्छा दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 2023 वाज ड्रॉप्ड, क्यों? क्योंकि इसमें एक मिसटाइप था, इन्होंने इसको 7-7 लिख दिया था, ये NTA की ऑफिशियल साइट से पेपर है, 7-7 लिख दिया था, वेयर एज ये रेज टू पावर होना चाहिए था। तो मैं सही वाला क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है, कर ले अपन सही वाला क्वेश्चन। कैसे करेंगे, फोकस ऑन दिस। उसने कहा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू पाई बाय 2, देखो मैं ये तो मुझे पता है मैं कर ही लूंगी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, क्योंकि ट्रिक कहां लगेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2, ठीक है,
वन प्लस मॉड कॉस एक्स होल रेज टू पावर लैम्डा अपॉन मॉड कॉस एक्स। देखो अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे पाई बाय टू लगाया तो जैसे ही आपने पुट किया दिस इज वन बाय रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, यानी बंदर का आना पक्का है, बंदर का आना पक्का है। तो कैसे कैसे करूँगी मैं, e रेज टू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू ही हो जाता है। और हम कहते हैं क्या, बंदर को बुलाओ नीचे, यानी ये बंदर वाली टर्म नीचे आ जाती है, पेड़ को कटवाओ ना, तो इस पेड़ जो आपने लिखा हुआ था उसमें से माइनस वन हो जाता है। दैट इज अ ट्रिक। फटाफट से क्या आ जाएगा इसका आंसर, e रेज टू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू लैम्डा बाय मॉड कॉस एक्स। एंड इधर देखो ना यार क्या हुआ है, ये भी कट गया ये भी कट गया, यानी मेरे पास बच क्या गया है बच्चा, e रेज टू पावर लैम्डा ओनली। कितने बच्चों को e रेज टू पावर लैम्डा मिल गया है, लैम्डा इज म्यू, एंड आई थिंक इसको तो क्रैक करना, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है भाई साहब। हम ट्रिक लगा रहे हैं, हम कुछ वो नहीं कर रहे, सीधा साधा मेथड नहीं कर रहे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में मत घुसो, ये ट्रिक्स भी तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट से ही डिराइव होती है, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली लगाने का जुगाड़ सिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप कर लेना, वैसे इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, आपको पता है यू कैन राइट दिस एज, इसको ऊपर ले जाके टैन 4x अपॉन टैन 6x। अब आपको पता ही है यार, ऊपर 4x इंटू 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, नीचे 6x इंटू 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, दिस विल कम आउट टू बी ई रेज टू पावर 4/6 यानी कि 2/3 विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लैम्डा। तो लैम्डा 2/3 आ गया है, म्यू आपका ई रेज टू पावर 2/3 आ गया। आगे की सॉल्विंग आप कर सकते हो, ठीक है। कितनी देर तक सेशन चलेगा, मेरा तो ये ख्याल है कि मैं मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे में निपटा दूंगी सारे ट्रिक्स का, आपको कुछ कुछ सवाल करा के, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। ऑल राइट पीपल, देन लेट्स गो आगे। इसको कैसे कर लोगे फिर अपने आप बता दो, बस ये पहचान लो कि x जब आपका जीरो हो रहा है, ये 2/2 वन दे रहा है, ये वन रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो बोल दो है, तो बोल दो है, ठीक है। करेंगे कैसे इसे नेहा मैम, e रेज टू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, भैया बंदर को बुलाया नीचे, अब पेड़ को कटवाओ ना, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7x² एंड 2 तो आपका कट रहा है, ठीक है। तो क्या क्या आ रहा है, ये x² अब ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, इसकी डिग्री हैवी हो गई है, इसकी डिग्री आपकी यहाँ पे क्या बेसिकली मिल जाएगा, ये तो अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से ही आ जाएगा। तो e रेज टू पावर माइनस 4/2 e रेज टू पावर माइनस 2 वन अपॉन ई स्क्वायर इज द आंसर। कितने बच्चे को मिल गया है, कितने बच्चों को ये आंसर मिल चुका है, जल्दी जल्दी करते जाएं इसको, यस और नो। चलो ओके, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, फिर से ये ट्रिक आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल रही होगी, पानी, ठीक है। अब नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इसकी जगह वो बोल सकते हैं नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, ठीक है। तो दिस ट्रिक इज बेसिकली फॉर इंटीग्रल टर्म्स या रैशनल टर्म्स, इरैशनल अगर पूछ ले तो टोटल माइनस रैशनल कर देना। भाई साहब ये वाली ट्रिक तो ना इतनी गदर कॉपी हुई थी पूरे यूट्यूब पर, देख लो यहाँ पे काफी पहले से है, इनफैक्ट आई थिंक अब तो 3 साल हो गए होंगे। ओके कैसे करेंगे इसको, अब ये सारे के सारे आपको काफी सारे सवाल यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो कुछ कुछ मैंने सैंपल के लिए ले लिए हैं, आ जाओ यहाँ पे। How am I going to solve this one now? Number of integral terms in the expansion of this, ठीक है। Now what does the trick tell you? सबसे पहले the checkpoint is कि ये दोनों के दोनों, and ये ना कई बारी गलती कर देते हैं बच्चे, सबसे पहले आपको देखना होता है ये दोनों prime number हैं, क्योंकि if they are not prime number तो आपको बदलना होगा, है? वॉइस क्रैक क्या हो गया वॉइस को, इंटीग्रल
टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। बेटा तुम ना ब्लॉक कर दिए जाओगे, उल्टा सीधा मत लिखो, ठीक है। प्राइम नंबर है 3 and 5, ऑल राइट। अच्छा अब यहाँ पे पावर में देखो, अब आप कैसे लिखोगे, प्राइम नंबर चेक हो गया, जो पावर है 680 अपॉन इन दोनों का जो एलसीएम है 2 and 4 का, एलसीएम ऑफ 2 and 4, स्ट्रक्चर समझ लो क्या है इसका, ये 1 अपॉन करके ही दिया होता है आपको नंबर, राइट। तो आप क्या लिखोगे, 4। अब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालो, इसको डिवाइड करो जरा कितना आएगा, 4 ones are 4, ठीक है, ये डाला तो आपको 4 2 and 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 ones are 4, 2 मिला, 4 sevens are 28, क्या हो गया था मुझे पता नहीं, अच्छा 170। अब इसका आंसर आपका 170 होगा या 171 होगा, दैट्स इट। अब ये आपने फेज क्रॉस कर लिया, नाउ यू जस्ट हैव टू चेक इज इट दिस और दिस। अब अक्सर केसेस में 99% केसेस में इट इज ऑलवेज +1। कैसे चेक करते हैं, आइडियल वे, पहले पूरा दिखाऊंगी फिर छोटा करके दिखाऊंगी। जनरल टर्म आप लिखते हो, जनरल टर्म आप कैसे लिखते हो, आप इस प्रकार से लिखते हो एंड या मेरा एक्चुअली ना फोकस कभी भी इसके अंदर और इसके अंदर होता ही नहीं है, दे आर यूजलेस फॉर मी, दे आर यूजलेस फॉर मी। मैंने सिर्फ r इक्वल टू जीरो पे चेक करना होता है, आई ओनली हैव टू चेक फॉर r इक्वल टू जीरो। एंड कहाँ करना होता है, देखो यहाँ पे डाल के चेक करो कि अगर मैंने r को जीरो कर दिया, विल 680 डिवाइड बाय 2 गिव मी अ होल नंबर, यस इट इज गिविंग, यानी r इक्वल टू जीरो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, द आंसर इज 171। इसका रियल अगर मेथड देखो आप तो ये है पूरा द रियल मेथड, पर इसमें कितना वक्त लगा आपको, आई डोंट थिंक 10-15 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा। तो एक्चुअली आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इस फर्स्ट टर्म पे होना चाहिए, एंड यू शुड जस्ट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, कैन आई इंक्लूड आर इक्वल टू जीरो और कैन आई नॉट। अगर नॉट होगा तो 170 आंसर आ जाएगा, वरना 171 होगा, डन। ओके इसको देखो कैसे करेंगे इसको, एवरीबडी चलो जल्दी से बच्चा, कैसे कर देंगे इसको जल्दी बता दो मुझे। अब नाउ द थिंग इज सिंपल, फर्स्ट चेक पॉइंट मैंने आपको कहा था ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, यहीं पे बच्चे ट्रिक जानते थे, ठीक है। एंड 2021 में आकर उन्होंने मुझे क्या कहा, कई बच्चों ने जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, मैम आपकी ट्रिक ना गलत थी। अरे गलत ट्रिक नहीं थी, गलत तूने देखा नहीं, मैंने कहा था दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर ना, तो पहले आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, ये 2 स्क्वायर लिखोगे ना आप इसे तो ये हाफ बन जाएगा। एंड नाउ दिस इज माय न्यू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे ट्रिक लगानी थी। तो बॉस यहाँ पे अलर्ट है, गलती अलर्ट, इस चीज को जरा समझ जाओ, ठीक है, ये काम नहीं होना चाहिए। ओके तो अब आपने कर दिया, अब बिंदास वही काम करो, स्टेप नंबर 1 120 अपॉन 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियसली 6 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तो 20 आ गया, अब आपको पता है आंसर 20 है या 21 है, तो अब आप इसके अंदर कितना वक्त लगाओगे, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगाएंगे नेहा मैम, क्योंकि हमें पता है सिर्फ हमने इस पे फोकस करना, बार बार बोल रही हूँ इस पे नहीं, आपने सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म में देखना होता है कि क्या हो रहा है। तो 120 माइनस आर बाय 2, यू जस्ट हैव टू फोकस कि आर इक्वल टू जीरो से क्या ये होल नंबर देगा, हाँ 120 बाय 2 होल नंबर देगा, दैट्स इट, यानी कि 21 इज द आंसर। कितने बच्चों ने उड़ा दिया है इसको, यस और नो, डन यस और नो, चलो आगे बढ़ो। चलिए ऑसम, फोकस सिर्फ यहां पे पढ़ने पे रहेगा, वरना आप जा सकते हैं, नमस्ते, ठीक है। अगली ट्रिक की तरफ आते हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर क्या है बच्चा, मैंने नहीं लिखा, तुम बताओ ट्रिक नंबर क्या है। नेक्स्ट ट्रिक इज दिस, किंग्स रूल पे है बेसिकली, है ना, कहती क्या है,
हाफ ऑफ बी माइनस ए. तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अगर ये सिचुएशन मुझे दिख जाए, देन इन दैट केस आई कैन डायरेक्टली गिव द आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होल अपॉन टू. यार इस सेशन के बाद ना एक बारी अगर मजा आया तो कॉमेंट सेक्शन में हर एक सीरियस जेई एस्पिरेंट लिख के जरूर जाएगा, अगर मजा आया है जेन्युइनली. तो कोई फीडबैक हो तो वो भी शेयर करना. एनीवे ये सारी पुरानी वीडियोस की लिंक्स मैं यहाँ पे लगाती जा रही हूँ. किंग्स रूल, किंग्स रूल की ट्रिक है एक्चुअली, किंग्स रूल नहीं, किंग्स रूल की ट्रिक कहाँ कहाँ यूज हो रही है वो आपको दिख रहा है. भरा पड़ा है सामान, भरा पड़ा है, राइट, भरा पड़ा है. आ जाओ, लेट्स हैव अ लुक एट दिस. देखते ही सवाल टूटना चाहिए, देखते ही सवाल टूटना चाहिए. चलो बताओ मुझे इसका आंसर क्या है. चलिए बच्चा इसका आंसर बताओ क्या आने वाला है. अब इसके अंदर आपने पहचानना है, आपने कहा यार ये फंक्शन है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन है कॉस एक्स रेज टू पावर 2023, सेम फंक्शन इज हियर ऑल्सो, एंड इफ आई ट्राई एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एम आई गेटिंग व्हाट आई वांट कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स. हाँ जी, ओ जी, बल्ले बल्ले, दैट मीन्स द 3 सेकेंड ट्रिक इज इफेक्टिव. 8 बाय पाई तो एज इट इज रहेगा हाफ ऑफ बी माइनस ए. झगास, तेरा आंसर टूट गया बच्चा. 4 बाय पाई इंटू पाई बाय 2, सो माई आंसर इज 2. अब फिर से बोल दूं, जो बच्चे इस चैनल पे आए हैं, कई बार क्या होता है आप लोग ट्रिक्स का सेशन देखते हो, आप बोलते हो बस ये ट्रिक का सेशन कर ले हो जाएगा, नहीं यार जेई का पेपर हलवा नहीं होगा. लेकिन आप ये सोचो अगर आप ये 1-2 घंटे का सेशन आज देखते हो और इसमें से 2 भी ऐसे टाइप्स आ जाए जो आपकी कैलकुलेशन को आसान कर दे, इजंट इट अ विन विन. जहाँ एक 4 नंबर भी बनाना इतना मुश्किल है ना, और तुम्हारे यहाँ से 4 से 8 से 12 मतलब डिपेंडिंग ऑन क्या शिफ्ट में आ रहा है बन जाए नंबर, तो क्या बात होगी ना. सो इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, आ जाओ, आ जाओ. यहाँ पे क्या होगा, अब देखो देखने से तो नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे एक चीज समझनी होगी. जब भी टैन अकेला होगा साइन और कॉस का मेला होगा, जब भी टैन अकेला होगा साइन एंड कॉस का मेला होगा, यानी आप उसको साइन एंड कॉस में पहले कन्वर्ट कर देना. तो यू गाइस डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये इस प्रकार से बन जाएगा. देखो अभी हो सकता है अभी तुम लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो, जो बच्चे यहाँ पे लाइव पढ़ रहे हैं, बड़े सारे नोटिफिकेशन पिंग 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 आने शुरू हो जाए, कोई हिलेगा नहीं, ये सेशन पूरा लगा के जाओगे. इन केस यू आर थिंकिंग अबाउट एनटीए की ने एडवाइजरी रिलीज कर दी है, इंस्ट्रक्शन रिलीज कर दिया, इस वीडियो से पहले ही मैंने उसको बता दिया ऑलरेडी. पेपर अटेम्प्टिंग क्या टेक्निक्स हैं, क्या जनरल गाइडलाइंस है, ऑलरेडी सब कुछ बता दिया. तो किसी भी चीज़ तुम्हें कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए इस वक्त. ओके आ जाओ. Now you see कि यार फीलिंग तो वैसी आ रही है नेहा मैम, यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, बट इज दिस द सेम. उसके लिए मुझे इसको चेक करना पड़ेगा यार एक्चुअली मेरा. देखो अगर आप पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 है क्या, इट इज टिपिकली 6 पाई बाय 24 है ये, विच इज नथिंग बट पाई बाय 4. तो नेहा मैम कैसे हेल्पफुल है, अरे आपको ये दे रखा है, यानी मैं अगर बोलूं कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये आपको 100% क्योंकि ये कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2x हो जाएगा, यही दे देगा. अगर ये आपने मन-मन में ही, अगर ये आपने मन-मन में ही देख लिया है तो अच्छी बात है, वरना एक बारी लिख के देख लो एंड दैट्स इट, जो चाहिए था वो मिल गया है. ठीक है, 4 पाई बाय 12 आंसर आ जाएगा. आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉट दिस आंसर. ठीक है, डन. एंड मतलब बहुत सारे उसमें ये लग चुका है, देख लो यहां पे ये एक बार ही देखो आप किंग्स रूल लगाओगे. मैं ये नहीं कह रही हर एक सवाल ऐसा आएगा कि डायरेक्ट ट्रिक लिख के ठा, नहीं, इस पे जैसे पहले किंग्स रूल लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये एक्स आपका जो है वो गायब हो जाएगा एंड दैट्स इट. उसके बाद आपकी ये ट्रिक लग जाएगी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही लग रही है, ये तो डायरेक्ट ही लग रही है. ठीक है, यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट ही लग रही है, ये आपका पूरा एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी ये लॉग ऑफ 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, बिल्कुल है,
डायरेक्ट लग रही है, डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, कई बार ये डायरेक्ट लगती है, कई बार थोड़ी मेहनत करने के बाद लगती है, जैसे कि ये तो डायरेक्ट वाला था, करा दिया, ये बिल्कुल डायरेक्ट, ये एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, डायरेक्ट ट्रिक लग रही है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी पहले मेहनत करनी होगी किंग्स रूल लगा के, उसके बाद ट्रिक डायरेक्ट लगेगी, ठीक है। तो दैट इज वॉट, सो आई नेवर से कि यार आप देखोगे और आंसर आपका ट्रिक डायरेक्ट लग जाएगी, लेकिन सपोज आपने दो चार स्टेप किए एंड उसके बाद कहीं बीच में जाके लग गई, बस अपने लिए तो फिर विन विन है ना, है ना। चलिए 1-to-1 फंक्शन की ट्रिक, 1-to-1 फंक्शन की ट्रिक। देखो आज के सेशन में ना मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि केले हैमिल्टन थ्योरम यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, भाई साहब वो ऑलरेडी रूल है बना हुआ, उसमें नेहा मैम ने कुछ नहीं किया, तो वो नहीं कराऊंगी मैं। अगर आप मेरे को बोल दो कि नेहा मैम लिग्रांजेस आइडेंटिटी के बड़े सवाल आते हैं, हाँ आते हैं, लेकिन वो कोई ट्रिक थोड़ी ना है, वो कोई मैंने थोड़ी ना डिवाइस करी है, वो तो लिग्रांजे जी बना कर गए थे, तो ये सब नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ वही होगा जो एक्चुअली टेक्निक हैक्स करके आप सिंप्लीफाई कर रहे हो सवालों को, विच आई हैव डन, राइट। अच्छा तो यहाँ पे देख लो, ये जो ट्रिक है 1-to-1 बताने की है, तो इससे ना सवाल पहले ही 50-50 हो जाएगा, तो आपको स्टैंडर्ड मेथड लगाने की जरूरत नहीं, और ये भरे पड़े हैं सवाल, ठीक है, ये भरे पड़े हैं सवाल, तो आ जाओ एक पे लगा के देखते हैं। आपको फंक्शन दे रखा है यहाँ पे ब्लाबला, ये क्या है भाई, अच्छा यहाँ पे आपको दे रखा है, डोंट यू अग्री, अगर हम 1-to-1 कर दें सबसे पहले तो वी आर सॉर्टेड, तो वी आर सॉर्टेड, है ना, अपना हम 50-50 गेम में खेल जाएंगे, तो बताइए यहाँ पे कैसे होगा फिर ये। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, हो सकता है अभी आपको बहुत सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिले, लेटेस्ट अपडेट बाय एनटीए, एनटीए एडवाइजरी, एनटीए गाइडलाइंस, इससे पहले आप जो सेशन में आए थे ना उसके अंदर मैं वो सारा कुछ बता चुकी हूँ, सारा कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यहाँ पे ट्रिक कहती है आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, ट्रिक क्या कहती है, एक बार मैं वापस जा रही हूँ प्रोसेस आपको समझाने के लिए, यहीं पर ट्रिक कहती है एफ डैश एक्स ले लो, एंड अगर इस एफ डैश एक्स को आप ठोक पीट के कह सकते हो इट्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माय डोमेन, तो आपका फंक्शन 1-to-1 हो जाएगा। और अगर एफ डैश एक्स आपने निकाला एंड यू कांट से यानी कभी वो ग्रेटर देन जीरो है, कभी वो लेस देन जीरो है, राइट, एट टाइम्स इट्स ग्रेटर देन जीरो, एट टाइम्स इट्स लेस देन जीरो, इन दैट केस आई विल से नो, नॉट 1-1, इट्स गोइंग टू बी मेनी टू वन, ठीक है। तो मेजर चीज ये है आपकी, यानी अगर फंक्शन मोनोटोनिक हो जाए, मोनोटोनिक बिहेवियर मतलब हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग, सो ऑलराइटी पीपल, तो यहाँ पे जी आ जाओ अपने डिफ्रेंसिएशन का जलवा दिखाओ, दिस इज 2x + 2 × x² + 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 × 2x, ठीक है, ओके एवरीबॉडी, 2x³ + 2x + 2x² + 2 - 2x³, अरे अरे यार ये -4x² - 2x, ठीक है, अपॉन x² + 1 होल स्क्वायर। देखो इससे तो मुझे फर्क पड़ेगा नहीं डिनोमिनेटर से, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, अरे होल स्क्वायर ही कर दिया ना रियल नंबर का, ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाट कैन आई कमेंट अबाउट दिस, ये दोनों कट गए ले हैं, ठीक है, 2x भी कट गया है बच्चा, तो ये बच क्या गया है बच्चा, दिस इज कमिंग आउट टू बी, अरे यहाँ तो एक ऑप्शन था, ओहो यहाँ तो एक ऑप्शन था, हाँ ये कट के क्या दे रहा है मुझे, f'x इज एक्चुअली गिविंग मी अब 2 - 2x² - x². अब अपे अपे मुझे बताओ विल दिस ऑलवेज बी पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, कम ऑन, आई वॉन्ट टू सी इन द चैट सेक्शन, 1 - x² x इज एनी रियल नंबर, तो क्या कह सकते हो, हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव भी हो सकता है, लेट मी सी हमेशा पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव भी हो सकता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, पक्का पक्का
कांट से एक्चुअली वॉट इफ आई टेल यू एक्चुअली इसको ना और सिंप्लीफाई करके आप लोग लिख सकते थे. दिस इज एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, दिस इज अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. पॉजिटिव कांट से पॉजिटिव नेगेटिव वन माइनस एक्स स्क्वायर. अगर आप देखो एक्स को बहुत हाई नंबर दे दोगे, वेट फॉर दिस मैं अगर इसको थोड़ा सा ट्वीक करके लिखती हूँ, इसको इफ आई राइट एज एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एंड इसको दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन. नाउ इफ आई आस्क यू टू डिफरेंशिएट दिस, अभी देखो, या फिर ये है कि इसको अगर आप सेपरेट आउट भी कर दो, मतलब आप ऐसे कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वन को टुगेदर ले दो. रुको एक हैक बताती हूँ जल्दी करने का इस सवाल को. एक्स स्क्वायर प्लस वन एक साथ है, डिवाइड किया वन आ जाएगा प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. नाउ ट्राई इट. उसके अंदर कई बच्चे कह रहे थे कांट कॉमेंट, अब बताओ द डेरिवेटिव इज जीरो. यहां पे देख लो, दिस इज टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स इंटू टू एक्स. सेम ही बात आ रही है, टू एक्स स्क्वायर माइनस दिस, सो इट्स द सेम, टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर. वॉट कैन आई से, हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव. देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, इसको हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव. बच्चे कह रहे हैं हमेशा नेगेटिव, आर यू श्योर? हमेशा नेगेटिव, आर यू श्योर? ये टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू एक्स स्क्वायर है, सॉरी माई बैड, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, विल इट बी हमेशा नेगेटिव? हाँ जी, इट विल बी हमेशा नेगेटिव. कैसे? एक्स को आप कोई भी नंबर ले लोगे, टू थ्री फोर, एनी वे नेगेटिव. वॉट इफ यू टेक इट टू बी अ फ्रैक्शन, वन माइनस वन बाय टू, है ना? या एक्स को अगर मैंने वन बाय थ्री ले लिया तो वन माइनस वन बाय नाइन, तो दिस टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव. ऐसा है क्या? फिर इन दिस केस व्हाट कैन वी से, चेंज होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली, चेंज होगा. बिल्कुल सही कह रहे हो, चेंज होगा. इट कैन बी लेस देन जीरो, इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो फॉर द एंटायर इंटरवल. फॉर द एंटायर इंटरवल इज इट वन टू वन? नो, इट्स नॉट वन टू वन. बट मेरे को क्या दे रखा है, इट इज मैनी टू वन इन वन टू इन्फिनिटी. कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा और कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव होगा? यानी ये गेम वन से इन्फिनिटी के बीच में आ गई. एफ एक्स इज वन टू वन इन वन टू इन्फिनिटी, कैन आई से दिस? ऑब्वियसली दिस विल ऑलवेज बी लेस देन जीरो फॉर वन टू इन्फिनिटी. यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट. देखो अगर मैं पूछती सबके बारे में बताओ, फॉर द एंटायर रियल लाइन, नो इट्स नॉट वन टू वन, इट्स नॉट, क्योंकि कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है. लेकिन इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से देखो, सो वन से बड़ा आप जो भी नंबर ले रहे हो उसमें इट इज ऑलवेज नेगेटिव. गॉट इट? सो सी इज द आंसर. अच्छा आ जाओ अब अगले सवाल पे चलते हैं. हियर वी गो, फिर से वन टू वन ऑन टू एंड ब्ला 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 वी बीन गिवन. ठीक है, अभी क्या करना है मुझे, पहले आई हैव टू फाइंड एफ ऑफ जी. ओके, सो इट इज लाइक एफ अप्लाइड टू जी ऑफ एक्स. तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन. करेक्ट, सो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज माई एफ ऑफ एच. मैं लेट मी कॉल इट दिस वे. वॉट डू यू थिंक, वन टू वन है कि नहीं है? एच डैश एक्स लेते हैं, एच डैश एक्स गिव्स मी एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन माइनस टू एक्स, सॉरी माइनस टू एक्स की प्लस टू एक्स, प्लस टू एक्स नहीं माइनस आएगा. इज इज ओके, ये आ जाएगा. अब देखो यार, एंटायर रियल लाइन में पूछा है आपसे, तो इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, है ना? इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, तो बोथ वन टू वन तो नहीं है. जहां भी वन टू वन बोल रहा है वो ऑप्शन नहीं है. इट हैज टू बी, द आंसर हैज टू बी बिटवीन बी और डी, बिटवीन बी और डी. अब ऑन टू आपको स्टैंडर्ड तरीके से निकाल के देखना पड़ेगा, ट्रिक आपकी सिर्फ वन टू वन के लिए है, तो इट विल डू 50-50 फॉर यू. ठीक है, एंड अक्सर इस केस में एक अगर खराब हो जाए तो दोनों ही खराब हो जाते हैं. नेवरदलेस अगर आप चेक भी करोगे ऑन टू के लिए, तो आप ये आएगा इज इक्वल टू वाई, यानी वाई इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी वन प्लस वाई अपॉन वाई. सो आई कैन टेक इट टू बी वन प्लस वाई
ठीक है, इनटू वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो. सो जीरो एंड यहाँ पे आ रहा है आपका माइनस वन एंड जीरो, राइट. तो ये वाले इंटरवल है जिनके अंदर पॉजिटिव है, ऐसा तो नहीं है. सो नॉर ऑन टू, नॉर ऑन टू, डन. बट ट्रिक विल डेफिनेटली हेल्प यू टू, ट्रिक विल डेफिनेटली हेल्प यू टू डू 50-50 इन सच क्वेश्चंस. मजे आ रहे हैं. वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप एंड देन वी मूव टू अनदर ट्रिक. यस और नो? ठीक है, चले फिर आगे, चले फिर आगे. आई कांट सी द जोश. ओके, सेम कहानी, एफ डैश एक्स फाइंड करो. सॉरी, एक्स इज वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स दिस इज 2x. सो आई एम गेटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. ऑब्वियसली दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस आई अंडरस्टैंड इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव. दिस आई अंडरस्टैंड इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव. अरे यही तो पीछे किया था, पूरे रियल नंबर पे पूछा है. तो कैन बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, बोथ. तो इंजेक्टिव मतलब वन टू वन? नहीं यार, इंजेक्टिव नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है, बिकॉज इन्वर्टिबल मीन्स वन वन एंड ऑन टू बोथ. माई ऑप्शन विल बी ईदर ऑफ दीज, राइट? ऑप्शन विल बी ईदर ऑफ दीज. अब अगर ऑन टू करना ही चाहते हो तो इसको इक्वल टू y करोगे तो दिस विल बी x इक्वल टू y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट. अभी दैट मीन्स आई विल एंड अप गेटिंग एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो. इट्स अ क्वाड्रेटिक इन x, सो आई विल एंड अप गेटिंग x इज वन प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू. सो दैट मीन्स माई वन माइनस फोर वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी फोर वाई स्क्वायर माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो. सो बाय वेवी कर्व मेथड आई विल गेट वाई फ्रॉम माइनस हाफ टू हाफ, जो ऑलरेडी है. सो माई आंसर इज दिस, बी ऑप्शन. यहाँ पे नहीं, कई बच्चे सी कह रहे हैं, नहीं बेटा ये बी है. एनीवे, ट्रिक सिर्फ आपको वन टू वन देखना सिखाता है, ऑन टू तो आपको नॉर्मल मेथड से ही करना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रिक आपको 50-50 करा जाएगा हर सवाल में. लेट्स गो आगे. ओके, आर वी रेडी फॉर ट्रिक? ट्रिक नंबर, जरा जल्दी बताओ ट्रिक नंबर क्या है ये, ट्रिक नंबर क्या है ये? एवरीबडी जल्दी जल्दी बताइए. हाँ जी, वन और जीरो इज माई सुपर हीरो. सो ट्रिक नंबर 8, वन और जीरो इज माई सुपर हीरो. वो क्या बता रहा है? देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज नॉट इन योर जे मेन सिलेबस फॉर 2024, करेक्ट. बट अगर आपको मैं डायरेक्टली इनमें से कोई भी सवाल दे दूँ, यू कैन ऑलवेज एक्सपैंड इट, यू कैन ऑलवेज एक्सपैंड इट. एंड व्हेन आई से वन और जीरो इज माई सुपर हीरो, यानी एक्स को वन डालो या जीरो डालो और आंसर निकालो. वन को, यानी कि एक्स को वन डालो या जीरो डालो और आंसर निकालो. फॉर इंस्टेंस ये मेरे को पूछा है, यार डिफिकल्ट है सॉल्व करना, मैं एक्स को जीरो पुट कर देती हूँ. ट्रिक से इज एक्स को जीरो पुट कर दो, क्या आ गया? वन जीरो जीरो, जीरो लैम्डा जीरो, जीरो जीरो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 81. इसको एक्सपैंड करने का, ठीक है, ये तो वैसे ही एक आइडेंटिटी की तरह बन गया है. लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू, दिस विल बी 3^4, 3 स्क्वायर 2 क्यूब. लैम्डा इज 3 स्क्वायर बाय 2, सो 9/2. लैम्डा इज 9/2 एंड लैम्डा बाय 3 इज 3/2. अभी सम प्रोडक्ट करके इसका रूट्स निकाल सकते हो, राइट. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो. अभी आप ऑब्वियसली यहाँ पे करके इसको निकाल लेना. ऑप्शन क्या आएगा? 4x² - 24x + 27 इज जीरो. सी ऑप्शन. डन डन आर डन, डन डन आर डन. यस, ओके, ऑलराइटी. चलिए अगले पे बढ़ते हैं. 2021 का सवाल, इसको भी देख लो बच्चा. अब देखो, नॉर्मल तरीका तो कहता है इसमें प्रॉपर्टीज लगाओ या इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करो. प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं क्या करूं? अब इन दिस केस
आई कैन ट्राई पुटिंग ए एनी थिंग, लेकिन बस ये दिमाग में रखना होगा कि कई सारे ऑप्शंस ना आ जाएं ट्रू. सो व्हाट इफ आई टेक ए एज जीरो, सो लेट अ टाइम ए इक्वल टू जीरो, व्हाट डू आई गेट? यहाँ पे आ जाएगा 1 into 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 into 4, 12, 2, 3, 4, 1, 1, 1. एंड यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेंगे, ए को जीरो पुट कर दिया तो ये 1 into 2 into 3, तो यहाँ पे 6 बनेगा, ये जीरो बन रहा है. एंड ये देखो 2 into 3, 6 into 4, 24. नाउ यू हैव टू सी योर आंसर इज -2, 6, 0 और 24. इसको एक्सपैंड कर दो. अब इसको तो एक्सपैंड कर ही सकते हो, बच्चे सी कह रहे हैं पक्का पक्का पक्का. अब कुछ ए कह रहे हैं तो 3 minus 4, 6 minus 12, 24 minus 12, 3 is 36. सारे के सारे बच्चे लिख दे टरा. हो गया कि नहीं हो गया? आपके लिए मोस्ट रेलेवेंट सेशंस को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी. एंड फिर से एक ही बात ही बोलूंगी कि यार इस चैनल का प्योर इंटेंट है, सच्ची में कह रही हूँ मैं. फॉर इंस्टेंस आपको लगता होगा चैनल पे तो ऐड चलती है, नेहा मैम है ना, आप क्या ही बात करते रहते हो, चैनल पे जो ऐड चलती है, हाँ ठीक है उससे रेवेन्यू बनता है, ठीक है, लेकिन उससे 5x मैं इस चैनल के ऊपर लगाती हूँ, यानी कि अपने जेब से लगाती हूँ, ठीक है. अब मेरे लिए यही कोशिश है कि जब तक मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल है आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस. बट यार मुझे उसके लिए आप लोग का लव एंड सपोर्ट चाहिए, राइट? हाँ आप मुझे बोलोगे कि नहीं नेहा मैम हम YouTube पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर कोई मुश्किल बात नहीं है कि एक ऐप बनाकर मैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दूँ और उसके अंदर पेड क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूँ. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बट कहीं ना कहीं मेरी विजन ये कहती है कि जब तक बच्चे डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ सकते हैं एंड पूरी शिद्दत के साथ पढ़ सकते हैं, लेट्स कीप इट दिस वे. तो क्या कहते हो? तो उसके लिए मेक श्योर कि यार लाइक वाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो, ताकि YouTube की एल्गो अपने आप वीडियोस को पकड़ के ऊपर डाल दे, ठीक है. बाकी प्रमोशन मुझे करनी आती है बट काय को करनी है ना, वी डोंट डू ऑल दैट. ओके, इफ ए इक्वल टू दिस 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 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 8, देन What is the value of D? If the minimum value of the determinant is 8, अब ideally तो इसको expand करना चाहिए है ना, अब ideally तो इसको expand कर देना चाहिए. बहुत complicated हो जाएगा. अच्छा अगर मैं theta को बोल दूँ, and I can always take theta को 0 ले दूँ, तो देखो अगर आप theta को 2π भी लोगे वो भी चलेगा, क्योंकि sin 0 या sin 2π सब 0 है ना, सब 0 है. तो अभी यहाँ पर क्या करूँ मैं, -2, 1, 5, 4 plus D, 2 minus D, -2D and 2 plus 2D. अगर मैं कहती हूँ ये लीस्ट वैल्यू है इक्वल टू 8 है, ठीक है, लीस्ट वैल्यू अगर मैं कह रही हूँ इक्वल टू 8 है, -2 यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 plus 4D plus D square, -4 plus D times 2 plus 2D minus 5D, तो 2 plus 2D minus 5D, एंड दिस विल बी -D minus 10. ओके, एंड एक वैसे मेरे दिमाग में एक बोनस ट्रिक भी आ रही है, मुझे एंड में बताना, उसको भी जरूर करवाऊंगी. सो यहाँ पे यू विल बेसिकली हैव टू सिंप्लीफाई दिस, एंड अंत में आपको यहाँ पे डी की वैल्यू मिल जाएगी. अंत में यहाँ पे आपको D की वैल्यू मिल जाने वाली है व्हेन यू सॉल्व ऑल ऑफ दिस. तो आई गेस इस पॉइंट से आप कर लोगे है ना, इस पॉइंट से आप कर लोगे, यू विल एंड अप गेटिंग D एज 1 या -5. अब ऑप्शन में देख लो क्या है, -5 ही है, सो जस्ट गिव दैट एज द आंसर, ठीक है. तो इसको एक्सपैंड करके आपका D की दो ऑप्शन आएंगे, जिनमें से एक आपके ऑप्शन में दी जा चुकी है. चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर बोलने का, टू फाइंड आर फॉर कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू पावर एम और कॉन्स्टेंट टर्म. कॉन्स्टेंट टर्म मतलब एक्स रेस टू पावर 0. अब आप बोलोगे नेहा मैम सीरियसली ये ट्रिक भी आपने करा रखी है? ये रहा लिंक प्रूफ के साथ 5 years ago.
बाइनोमियल ट्रिक, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन 5 seconds. जाके इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, जाके इस वीडियो को देख लेना. अब इसके अंदर क्वेश्चन ये आपको आर बहुत झटपट बता देता है. आप स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहो, आपकी मर्जी. ये लो जी, सवाल ही सवाल भर रहे हैं. सवाल ले लो, जवाब दे दो, ठीक है. तो अब इसको मैं दो पार्ट्स में बांट रही हूँ. ट्रिक नंबर 9 दो पार्ट्स में बांट रही हूँ. अगर आपसे कोई जनरल कोफिशिएंट मांगा है एक्स रेज टू पावर एम का, इन दैट पर्टिकुलर केस जो भी दे रखा है मुझे यहाँ पे, देखो, या फिर आपको कोफिशिएंट ऑफ टू फाइंड आर फॉर टर्म इंडिपेंडेंट यानी कि एक्स रेज टू पावर 0 मांगा है, इट्स द सेम थिंग. बेस में दोनों के पी प्लस क्यू ही आ रहा है. पी मतलब जो यहाँ पावर ऑफ एक्स है, 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 ठीक है. ठीक है नेहा मैम. और यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो किस प्रकार का है. एक एक्स नीचे है, एक एक्स ऊपर है, नीचे है, ऐसे है, पी प्लस क्यू है. पहले वाले में अगर जनरल देना है तो एन पी माइनस जिसका कोफिशियंट चाहिए, एंड जीरो वाले में सिर्फ एन इंटू पी. बस 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 बस, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली एक्स रेज़ टू पावर 0 है यानी एम 0 है. तो क्या कहते हो, एक सवाल करके देखें, शायद विश्वास हो जाए कि हाँ नेहा मैम ट्रिक तो तोड़ू है, एंड आपने अच्छा पहले करा भी रखी है. ये देखो यहाँ लिंक लगाया हुआ है, जाके देख सकते हो, ठीक है. चलो आ जाओ, अभी सवाल करते हैं. सवाल है टू मच बवाल है. कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर -6 इन दिस एक्सपेंशन. अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ जो हमने जनरल लिखा था, वो क्या था, आई हैड रिटन इट दिस वे एक बारी, ए एक्स रेज टू पावर पी प्लस या माइनस जो भी लिखो वो हम बाद में देख सकते हैं, बी अपॉन एक्स रेज टू पावर क्यू होल रेज टू पावर एन. कहते क्या है, एन इंटू पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू, दिस इज माई आर. क्या ये नियम हम कैसे आता है, अरे यार ये फॉर्मूला ही होता है जो डिराइव करके आप निकाल सकते हो. चलो आर बताओ, आर बताओ, आर बताओ, आर बताओ. तो आर तो आपको बोल देगा कि यहाँ तो यार एक्स जो है वो आपका 1 है ना, मतलब पी जो है 1 है, तो 9 इंटू 1 माइनस एम, एम क्या है आपका, नहीं सॉरी, एम क्या है, ये माइनस एक्स है, अपॉन पी प्लस क्यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब आर आपका 5 आ रहा है. लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब आर आपका 5 आ रहा है. बस कोफिशियंट ऑफ दिस दिस दिस, तो ब्ला ब्ला ब्ला, आर इक्वल टू 5 यानी कि T6 आप निकाल के दे देना. डन. स्टैंडर्ड मेथड से करना चाहते हो, यहाँ पे नॉर्मल करो, फिर इसकी पावर्स को इकट्ठा करो, एंड ब्ला 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 करके अपना आंसर निकाल दो, या फिर डायरेक्ट सस्ती सी ट्रिक यूज कर लो. 5 आ रहा है, वेरी गुड, ऑसम, एंड बाकी तो फिर जनरल टर्म से आपको आगे सॉल्विंग करनी होगी. लेट्स हैव अनदर वन. सवाल को हमारे कुछ मेहनत को कम कर देगा. चलो इस वाले सवाल को देखते हैं, आ जाओ. एक नहीं दो बार लगेगी. ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 9 इन दिस. सबसे पहले तो इसको अगर मैं आर 1 कह दूं, क्या आपका आएगा, एन इंटू पी एन इंटू, अरे एन यार 11 है, माय बैड. चलो तुम ही बता दो ना आर 1 कितना आएगा, एन इंटू पी माइनस दिस एम अपॉन पी प्लस क्यू. 33 माइनस 9 कितना हो गया, 24/4. क्या मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट वाला जो है वो टी 7th टर्म आएगी, ऑलवेज 1. अरे क्या ऑलवेज 1, देखो इसके अंदर वैसे निकालना नहीं है, लेकिन अगर आर निकालना पड़े तो आपका 6 है. एंड हाउ अबाउट दिस वन, एक्स रेज़ टू पावर -2 के साथ, यहाँ पे मैं बोलूँ आर 2 निकालना पड़े. देखो अंत में आपको क्या करना होगा, इनके कोफिशियंट उठाकर ही इक्वेट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आर 1 आर 2 निकालना पड़ा तो कैसे निकालोगे, तो आर 2 में आ जाओ. 11 इंटू 1 माइनस माइनस 9, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3. 11 प्लस 9 20/4, ये 5 आ जाएगा. आ रहा है कि नहीं, 5 आ रहा है, 6 एंड 5, ग्रेट. वैसे प्रॉपर तरीका क्या होगा कि फिर आप इन कोफिशियंट्स को निकाल रहे होंगे एंड इवेंचुअली आगे सॉल्व कर रहे होंगे,
ठीक है। एक मिनट देख लूं मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। n इंटू पी माइनस एम प्लस आ गया अपॉन 1 प्लस 3, सही है। अरे आइए 11 प्लस 9, नहीं ठीक है ठीक है, 20/4, 5, ठीक है। 1 विल बी द आंसर। हाँ ऑब्वियसली इसका अल्टीमेट आंसर तो 1 होगा, लेकिन अगर आपको r बीच में निकालना पड़े आप कैसे लगाओगे। चलो कॉन्स्टेंट टर्म पे आ जाओ, कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, व्हाट डू आई डू। फिर से आप यहां क्या करोगे, n इंटू पी, देखो कॉन्स्टेंट टर्म है तो यहां तो 0 ही होगा, p प्लस क्यू। वाह, तो क्या r मेरा 2 आ रहा है। सारे के सारे बच्चे जरा मेरे को एक बार ही चेक करके बता दो कि एज पर माई ट्रिक क्या r मेरा 2 आ जाना चाहिए। अगर मैं जनरल टर्म के हिसाब से प्रॉपरली भी लगाऊं तो r मेरा 2 है। देखो आगे का सवाल तो आपको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये आपके काफी तगड़े तरीके से अप्रोच से स्टेप आपके बचा रहा है। ठीक है, कितना मजा आ रहा है क्योंकि आपके ये समय बचा रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी, ऑलराइट, ऑसम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लो, ये आपको दे रहा है इफ दिस दिस दिस। अरे ये के कहां लटक गया, ये के कहां लटक गया। दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस, देन के इज इक्वल टू क्या, इसको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये लिखा कैसे है। अच्छा ये इंटू के ही है, ऐसे ही होगा। इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, देन व्हाट इज के इक्वल टू। तो इस केस में मैं कैसे निकालूं के, देखो अब वही है, सबसे पहले तो आर आप निकालोगे, क्या होगा आर, आप बोलोगे एन इंटू वही पी, ठीक है। इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एन इंटू पी आ गया। आप देखो यहां तो 0 ही है, अपॉन पी प्लस क्यू, तो 12/3 यानी कि r इक्वल टू 4, यानी फिफ्थ टर्म के अकॉर्डिंगली आप इसको निकालोगे, तो वो तो t 4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 12c4 x/4 रेज टू पावर 12 माइनस 4। And that's it. In this case, you're just solving this out to give the answer. This ये जो है, इसने कहा term independent of x. Obviously, x raised to power 8, x raised to power 8 तो कट ही रहा है. Correct है. अब इस coefficient को बचे हुए आप इसके बराबर कर दोगे and यहां से आप k निकाल लोगे. Done? Yes or no? आ जाओ. ये कौन सा method आया? अब आपके कई hacks जो हम लोग discuss करते हैं, है ना? अब आपके कई हैक्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं, वीएन मेथड, जिसके अंदर हम कहते हैं छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। अरे ये उल्टा लगा दिया, काट दिया कर। छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, ठीक है, बड़े में बड़ा, डन है, करें इसको। तो कैसे करेंगे, ये देखो कितने सारे सवाल भाई साहब इसी एपिक वाली ट्रिक पे आ चुके हैं, कितने सारे सवाल इस एपिक ट्रिक पे आ चुके हैं। अब इसको आप सवाल के टुवर्ड्स द एंड के लगाते हो, कैसे, देखो आपको एक जनरल टर्म तो लिखनी पड़ेगी, यहां से आपको देख के पता चल क्या होगा कि दिस इज 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू पार 4, है ना। इसको यानी आप ऐसे तोड़ते हो, फिर आप हाईएस्ट माइनस लोएस्ट लिखते हो, देखो वो सब जुगाड़ तो आपको करते रहने पड़ेंगे। ठीक है, एंड ये चीज आएगी, ठीक है। अरे हाँ बेटा, रिमाइंडर थ्योरम वाला भी करेंगे बाइनोमियल में, काहे को चिंता कर रहे हो। एक एक दो दो नहीं बताने आई, 22 ट्रिक्स एंड हैक्स आपको बताने आई हूँ। चलिए तो इसको हमने सबट्रैक्ट कर डाला, आपको पता है ऊपर क्या बच जाएगा, आपका ऊपर बच रहा है 2R,
राइट, तो क्या यहाँ पर थोड़ा अच्छा ऊपर भी तो आर ही बन रहा है ना, सही है, तो यानी ये बन रहा है का 1/2 एंड आई कैन सेपरेट देम आउट, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर माइनस 1/r² प्लस 1 प्लस आर, दैट्स इट। अब ट्रिक क्या कहती है जरा जल्दी से बता दो बच्चों, ट्रिक यहाँ पे शुरू हो जाती है जो कहती है छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, आपको यानी ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बेटा आर लगा दिया, तो छोटे में छोटा मतलब 1 + 1 - 1 माइनस बड़े में बड़ा मतलब 10² + 10+1 एंड ऑब्वियसली हाफ तो बाहर देखो है ही, दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम, हाफ इंटू 1 - 1/111 दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम, इसको आप करेंगे, ये सारे बेकार के स्टेप्स आपके खत्म, राइट, ये सारे बेकार के स्टेप्स आपके खत्म, डन। अनदर ट्रिक, लेकिन इससे पहले आई वॉन्ट टू सी सम स्पाइक इन द लाइक्स, फिर से आपको बता दूं यहां पे, ये तो बेटा अभी शुरुआत है, यहां पे देखो हम कितनी सारी ट्रिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं और कितनी कमिंग अप में है, राइट, कौन कौन सी ट्रिक्स हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, रैंक ऑफ अ वर्ड, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ट्री मंकी, लिमिट्स की, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, डेफिनेट इंटीग्रल्स की, 1-to-1, ये अभी कमिंग अप में है, ठीक है, ये अभी करेंगे, ये हो गया, ये अभी करेंगे, ये हो गया, नेक्स्ट इसके बाद आपकी, अब जो हम कर रहे हैं ये वीएन मेथड कर दिया है, ठीक है, इसके बाद ऑर्थोगोनल कर रहे हैं, और फिर आपकी पेंडिंग में क्या है, फाइंडिंग रिमाइंडर आ रही है, ये सारी की सारी करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग है ना, ये बात इंटरेस्टिंग है ना बच्चा, चलो फिर आ जाओ, अरे 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 किधर गया रे, एंड अब मैं आपको बता दूं, अब ये ट्रिक्स आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगी, ठीक है, चलिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है वैसे कोई बताएगा मुझे, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जब मैं कह सकती हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए आई होता है, बट कई बार क्या होता है ना कि आप पहले ए लिखो उसका ट्रांसपोज लिखो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल लो, इतना तामझाम कौन ही करेगा, इतना तामझाम कौन ही करेगा, पर अगर मैं आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए एक वेक्टर्स वाली ट्रिक बता दूं तो कितने सारे सवालों में यूज होती रहती है, पहचानना कैसे है, पहले मैंने छोटे छोटे से एग्जाम्पल लिए हैं तुम लोग के लिए, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, आपने वेक्टर्स की तरह इसको करना है, क्या आप डिसाइड कर लो, एक बार कॉलम वाइज लोगे, दूसरी बार डॉट, दूसरी बार हॉरिजॉन्टल लोगे, कॉलम वाइज मतलब मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया, cos² + sin² θ 1 sin² θ + cos² θ 1, दोनों कॉलम्स का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, एंड जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करूं, cos θ - sin θ - sin θ cos θ एड कर दूं तो 0 आना चाहिए, तो यानी वेक्टर्स का स्वाद यानी मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए एंड डॉट प्रोडक्ट एक तरीके से 0 आना चाहिए, तो कॉलम या रो आर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब इसमें देख लो 3/4 + 1/4 1 होता है, 1/4 + 3/4 1 होता है, और अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर लूं तो -√3/4 + √3/4 0 आ गया, यस ओके। लास्ट वाले में बताओ, लास्ट वाले में कॉलम वाइज देखो, देखो बाहर तो 1/3 है ना, यहाँ देखो 1² 2² 4² कितना बना, 4 4 4 यहाँ 9 बनेगा, अच्छा यहाँ क्या बनेगा, इसको करोगे यहाँ भी 9 बनेगा, इसको करोगे यहाँ भी 9 बनेगा, अभी मैं इसको डिवाइड कर दूँ अगर हर एक से, एक्चुअली आपको टिपिकली ऐसे देखना चाहिए, इफ़ आई टेल यू ये हर एक 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी मैं फर्स्ट वाले अगर उसको देखूं तो इट इज 1/3 2/3 2/3, अभी करो 1/9 4/9 4/9 इट्स 9/9 1, ये भी 1 ये भी 1, एंड म्यूचुअली करके देखो 1 × -2 - 2 ठीक है, 2 × -1 - 2 2 × 2 4 इसको ऐड किया 0, इसी तरह सेकंड थर्ड, इसी तरह फर्स्ट थर्ड,
सब जीरो होंगे। तो अगर आप ऐसे ही पहचान लेते हो, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको देखो, सवाल को, ये जो हम ट्रिक्स एंड हैक्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम आपके हैक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम आपके हैक की बात कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा बताओ मुझे। आप सिर्फ अगर पहचान गए कि ये P ट्रांसपोज है, देखो 3/4 1/4 1/4 3/4 म्यूचुअली है, तो आपने बोल दिया P इज ऑर्थोगोनल, यानी जाहिर सी बात है आप P ट्रांसपोज को या P ट्रांसपोज P को I ले सकते हो, दैट्स इट। एंड आगे का सवाल अब आपको लगाना आता है कि नहीं आता, क्या करते हो इसके अंदर, इसको सिंप्लीफाई करना रहता है। तो Q की जगह क्या डालते हो, क्यू की जगह ऐसे डालती हो, पी ए पी ट्रांसपोज, ठीक है, PAP ट्रांसपोज, एंड यहाँ पे P, एंड ये कितनी बार आ रहा है, 2007 times। तो अंत में क्या आ जाएगा, ये आए, सिर्फ ए रेस्ट ऊपर 2007। तो ऑब्वियसली आप ए स्क्वायर या ए क्यूब पे पैटर्न दिख जाएगा ना, आप आगे बढ़ जाओगे। तो अंत तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, बट क्या ट्रिक समझ में आ गई ऑर्थोगोनल पहचानने की, यस और नो? अब लुक एट दिस वन और मुझे बताओ, ये मैट्रिक्स ए, चेक करना पड़ेगा ये आपको लगता है ये ऑर्थोगोनल है, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। चलो माय आर्मी, जल्दी जल्दी, है कि नहीं है? वन बाय फाइव, फोर बाय फाइव वन है, फोर बाय फाइव प्लस वन बाय फाइव वन है। एंड ऐसे करूं तो 2/5, ऐसे करूं तो -2/5 जीरो है। ओ बल्ले बल्ले, आपका क्वेश्चन आप आगे उड़ा सकते हो। यस इट इज ऑर्थोगोनल, ये तो आप मेंटली कर सकते हो ना। तो ट्रिक मजेदार थी, आपको कोई ए इंटू ए ट्रांसपोज करके नहीं देखना, बढ़िया है ना। बाकी की यात्रा आप खुद से कर सकते हो। ए एम जी एम, नेहा मैम प्लीज हमको मत बताना ए एम जी एम कैसे लगाते हैं, हमें आता है। जब सवाल में मैक्सिमा दे रखा हो, मिनिमा दे रखा हो, ए एंड बी ग्रेटर देन जीरो दे रखा हो, देखो ये चीज हम सबने पढ़ी है ना, जब ए बी पॉजिटिव दे रखे हो, आपको कुछ निकालने को बोला हो मैक्सिमा या मिनिमा, अक्सर केसेस में मिनिमा, राइट। एंड आप देखो कि अगर आप प्रोडक्ट लो तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इन दिस केस यू एंड अप यूजिंग ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, बट ये थोड़ी ना ट्रिक है। अरे ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक क्या है, तोड़ना कैसे है कई टेढ़े मेढ़े सवालों में। आपके सामने आज 3 सवाल मैंने लगाए हैं, एनटी अभ्यास के भी आप पे बड़े सारे सवाल है, तो मैंने यहाँ पे 2-3 ही लगाए हैं। आ जाओ देखो कैसे करेंगे, आओ देखो। चलो मुझे ऑलरेडी ये हिंट दिया जा चुका है, तो मेरी ट्रिक या मेरा हैक क्या है यहाँ पे? हैक मेरा ये है कि जब मुझे पता चल गया है मैंने ए एम जी एम निकालना है, अक्सर ऐसी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट दे रखा होता है और एक सम दे रखा होता है, यानी कि आपने नंबर्स खुद से क्रिएट करने होते हैं। तो वो कह रहा है एक्स ऐसा लीजिए कि मैं ऐड करूं तो 3x बन जाए और मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक्स क्यूब बन जाए, ऐड करूं तो 3x बन जाए, मल्टीप्लाई करूं तो एक्स क्यूब बन जाए, यानी आई विल टेक 3 नंबर अलग से xxx, इनको ऐड करूंगी तो 3x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्स क्यूब बन जाएगा, ऐड करूं तो 2y बन जाए, प्रोडक्ट लूं तो वाई स्क्वायर बन जाए। तो एक्चुअली इसके अंदर 2 नंबर नहीं है, एक्चुअली इसमें 5 नंबर पे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगता है। कितने बच्चों को चमक गया? अभी तो ये थोड़ा सिंपल था सवाल, अभी आगे धुरंधर सवाल में सेम पैटर्न दिखाऊंगी। तो बस ठीक है, अभी आपने इसमें ऐड करने का है, ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट लो, एंड अब आप इसको फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना 3x प्लस 2y है ना, एंड आप इसको सॉल्व करके उड़ जाओगे। डन, यस और नो कर लोगे? हैक समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसमें बताओ कितने नंबर आएंगे,
इसमें बताओ मैं कैसे तोड़ूं, ये है असली चैलेंज 2023 का सवाल। अगर तोड़ना आता है तो मज़े आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे समझ तो उनको आ जाता है कि मैंने क्या करना है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। चलिए कैसे करने वाले हैं बच्चा, जल्दी 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 यहाँ पे बता दिया जाए नेहा मैम को। एग्जैक्टली कितने नंबर आएंगे, 11। अच्छा यहाँ से भी हिंट ले रहे हो, ग्रेट। आपको ए बी सी डी पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं कि ए को ऐड करो, मतलब आप ऐसे नंबर्स हैं कि ऐड करो तो ए बने, प्रोडक्ट करो तो ए रेस्ट पर 5 बने, यानी आपको 5 बार तोड़ना पड़ेगा। कैसे, ए बाय 5, ए बाय 5, तो ट्रिक क्या कह रही है, कैसे तोड़ रहे हो, ए बाय 5, ए बाय 5, ए बाय 5, करेक्ट। अच्छा अब बी, ऐड करूं मैं, कितने नंबर्स को ऐड करूं मैं बी बने, लेकिन प्रोडक्ट लूं तो बी क्यूब बने, यानी आपको 3 चाहिए। अब 3 को मैं कैसे बांटूं कि ऐड करके बी बन जाए, एग्जैक्टली बी बाय 3, बी बाय 3, बी बाय 3, इफ आई ऐड देम आई एम गेटिंग 3b बाय बी विच इज ओनली 3b बाय 3 विच इज ओनली बी, एंड वो करके बी क्यूब बन जाएगा। उसी प्रकार से अंत में ये सी स्क्वायर एंड ऐड करके सी, तो सी बाय 2, सी बाय 2, और फिर डी तो डी होता है बस। तो कितने नंबर बन गए, 5, 3, 8, 10, 2, 11। तो दैट मीन्स यू आर टेकिंग ए एम एंड जी एम फॉर दीज 11 नंबर। ये तोड़ने का हैक या ट्रिक समझ में आई, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑब्वियसली आप इन सब का प्रोडक्ट लेके रेज टू पावर 1/11 करोगे। यस और नो, ये तोड़ना समझ में आया, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तोड़ें कैसे। आई गेस आपको अब तोड़ फोड़ ये समझ आ गई होगी। अब आगे की क्वेश्चन की सॉल्विंग में मैं नहीं जा रही, कई बार करा चुकी हूँ। एक और सवाल यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे है, मैं कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ अब इसके अंदर देखो और बताओ मुझे क्या करूँगी मैं। दिस इज तो फेयरली सिंपल ना, ये एक्स क्यूब बनाना है, एक्स चाहिए तो एक्स बाय 3, एक्स बाय 3, एक्स बाय 3, नेक्स्ट y रेस टू पर 4 है और आपको y चाहिए, तो सेम y बाय 4, y बाय 4, y बाय 4, y बाय 4, एंड एंड में z 5 बनाना है, तो z बाय 5, z बाय 5, ऐसा आप 5 बार लिखोगे, यानी कितने नंबर आपके पास ओवरऑल आएंगे, 12। यहाँ कितने नंबर आ रहे हैं इस सवाल में, 12। क्लियर हो गई ये बात, यस और नो, क्लियर हो गई ये बात, डन। तो ए एम जी एम ट्रिक कैसी लगी, चलिए ट्रिक नंबर कितना है भाई, ट्रिक नंबर बता दो मुझे, आई तो हैव लॉस्ट ट्रैक। नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय एन या मल्टीपल ऑफ एन में किस प्रकार से हम सवाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ नंबर डिविजिबल बाय 2, नंबर डिविजिबल बाय 3, तो आइडियल प्रॉपर तरीका क्या कहता है, आप उसके एक एपी क्रिएट करो और फिर नंबर ऑफ डिजिट्स लो। लेकिन ट्रिक क्या कहती है या हैक क्या कहता है कि आप उसी नंबर से डिवाइड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो ले लो, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे बहुत सारे आपको इस प्रकार के सवाल मिल जाएंगे, सेट थ्योरी में, पीएनसी में एंड सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो चलिए एक सवाल आपके सामने है, कैसे करोगे इसे, आ जाओ कैसे करोगे इसको, जल्दी से आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ ना, सवाल तो कराओ ना। हाँ जी, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ईदर 3 और 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 48, तो सही है। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं, 3 डिजिट नंबर्स यार आपके, कहाँ से शुरू करूँ मैं, 100 से 999, तो टोटल कितने हैं, टोटल 900 डिजिट्स हैं, बिल्कुल सही। कैसे करोगे, 3 और 4 मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4 या फिर बाय इंटरसेक्शन। अच्छा कई बार क्या होता है, आंसर इसके किसी के आसपास आ जाता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो ना, प्लस माइनस हो जाता है कई बार, एक की गड़बड़, ठीक है।
तो यहाँ क्या आ जाएगा 900 बाय 3, 900 बाय 4 माइनस 900 बाय 12, सही है। तो ये कितने आ जाएंगे 300, ये कितने आ जाएंगे 4 2 8 225 माइनस 900 डिवाइड बाय 12, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए अपने को, 12 7 84 होता है, तो 6 बचेगा, 12 5 60, दैट्स इट, आंसर आ गया, आंसर आ गया बेटा, बड़े प्यार से। तो डायरेक्ट आप इस हैक का यूज़ करके क्वेश्चन को तोड़ फोड़ मचा सकते हो, क्वेश्चन में तोड़ फोड़ मचा सकते हो, यस ऑर नो, दैट्स इट। यहाँ पे जो भी दे रखा है आपने तो बस ये काम करना है। अच्छा, कुछ और भी दे रखा है ना, बट नॉट डिविजिबल बाय 48। अच्छा ठीक है, तो फिर एक और स्टेप करोगे, जो भी इसका आंसर आएगा नॉट डिविजिबल बाय 48 मतलब 48 से भी डिवाइड करके इसको सब्ट्रैक करना होगा उतना, वो तो फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 450 आ जाएगा, लेकिन जब आप 900 डिवाइड बाय 48 करोगे तो ये आपको 18 मिल जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, मतलब सवाल ढंग से पढ़ लेना। चले आगे बढ़े, ओके, हाँ जी, चलिए सिमिलर सवाल। वो कहता है n इज अ मल्टीपल ऑफ 2, n इज अ मल्टीपल ऑफ 7, देन द स्मॉल, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ a एंड b, कंटेनिंग बोथ a एंड b। एक्चुअली बड़ा अटपटा सा चीज है, एंड लगाते हो तो इंटरसेक्शन होता है, बट बोथ लगाते हो तो दोनों होता है, तो टिपिकली ये सिर्फ बोथ ए एंड बी के हिसाब से चल रहा है सवाल ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 7 माइनस डिविजिबल बाय बोथ, बस आप इतना देख लो कि डिवाइड बाय 50 है, ठीक है, मतलब 50 टर्म्स है, तो 50 बाय 2, 50 बाय 7, 50 बाय 14, एंड सवाल खत्म, सवाल नहीं बवाल है ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 7 7 49, ये कितना आ जाएगा 14 3 42। अभी अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये आंसर डायरेक्ट आ गया है 25 और 29, दैट्स इट, दैट्स इट। 900 कैसे बेटा, 3 डिजिट नंबर, 100 से 999 कितने होते हैं, 900 नंबर होते हैं ना, डन, बिल्कुल डन। तो इस प्रकार के सवाल आपसे बड़े बड़े सवालों के बीच में भी पूछे जा सकते हैं, फिर भी एक मैं आपको अलर्ट कर दूं, कई बार क्या होता है ऑप्शंस इस प्रकार से होती हैं आपकी कि जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर को राउंड ऑफ किया, लेट्स से यहाँ पे 18 की जगह आपका आंसर 17 आ गया था, क्योंकि 17.6 आ रहा था, लेट्स से आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के चलते 17 कर दिया, सो इन दैट केस ना क्या होगा, आपका आंसर लेट्स से 433 आ जाएगा, लेकिन आपको पता होगा क्लोजेस्ट ऑप्शन उसके वही होगी, ठीक है। मतलब ऐसा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, इस प्रकार के सवालों में 99.9% तो सही चलता है, पर 0.1% अगर कभी ऐसा हो जाए तो वो क्लोजेस्ट आंसर आपको तब भी दे देगा। ओके जी, आ जाओ, ये सवाल कहीं देखा है, ये सवाल कहीं देखा देखा लग रहा है बच्चा, लेट मी सी कितने बच्चे इसको उड़ा सकते हैं, आई वॉन्ट टू सी योर चार्ट्स, कम ऑन माई आर्मी। इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन, यानी अगर सवालों की खिचड़ी पक जाए, ये भी ऑलरेडी चैनल के ऊपर है वीडियो, लिंक मैंने दे रखा है, कितने साल पुरानी है वो आप क्लिक करके देख लेना, इस पर 4 साल तो मिनिमम पुरानी होगी। मतलब अगर इस प्रकार का आपको डेरिवेटिव मिल जाए तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, आ जाओ देख लेते हैं। इस तरह के सवाल आपको कई बार मिल जाते हैं, तो dy by dx या dx by dy कहीं निकालना हो implicit differentiation का, तो आप बहुत डायरेक्टली कर सकते हो, कैसे, लेट्स हैव अ लुक, लेट y बी अ फंक्शन ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस वेयर k इज अ कॉन्स्टेंट, dy by dx एट अ पर्टिकुलर वैल्यू क्या है। सबसे पहले मैं इसको प्रॉपरली लिख लूँ, दिस इज x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के इज 0, दिस इज माई क्वेश्चन, मुझे निकालना है dy by dx,
जब आप ये निकालोगे, यू आर ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट अपॉन ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट, यानी आप एक तरीके से पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो और जो भी आंसर आ रहा है उसका नेगेटिव ले रहे हो. दिस इज व्हाट द ट्रिक सेज. ठीक है, एक मिनट बच्चों, आप देख पा रहे हो? हेलो हेलो, देख पा रहे हैं सब बच्चे? आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी क्या? नहीं, इट्स फाइन नाउ, आई थिंक इट्स फाइन. ओके, ठीक है. अभी करना कैसा है देखो, सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके. तो आपने मान लिया कि भाई x में है, y कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया. y तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया. y तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कैसे लिखोगे? आप लिखोगे माइनस 2x इंटू 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. k तो वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है. अच्छा, नेगेटिव ऑफ, ओके. अब नेक्स्ट टाइम यू आर ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट. x कांस्टेंट है, उसे एज इट इज लिख दिया. इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया? ऐसे किया, प्लस x कांस्टेंट है, y को डिफ्रेंशिएट किया, 1 मिल गया, ये तो कांस्टेंट है. अगर मैं आपको बोलूं आंसर आपका आ चुका है, दिस इज माइनस ऑफ, इसके साथ ये कटा, एक्चुअली माइनस माइनस ये आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर. मैंने माइनस साइन को एडजस्ट कर दिया है न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है. मैंने माइनस साइन को एडजस्ट कर दिया है न्यूमरेटर के अंदर, बस अब कुछ भी नहीं. अब आप x को हाफ पुट कर लो. तो व्हेन x इज हाफ, माय y इज माइनस 1/4. दोनों वैल्यू पुटिए, आंसर लूटिए. x को हाफ एंड y को 1/4 डालो और आंसर निकालो. क्या बात है, कर लोगे? अजी कर लोगे? चाहे तो थोड़ा एलसीएम ले लेना पहले. थोड़ा कैसे लेते हैं, पूरा ले लेना. ठीक है, पूरा ले लेना यार. थोड़ा कैसे लेते हैं एलसीएम? नेहा मैम, क्या बात ही कर दी आपने. नहीं बट एक्चुअली डायरेक्ट ही डाल दो, काहे को ये भी स्टेप लगा के टाइम वेस्ट करना. ओए ठीक है, x को हाफ एंड y को माइनस 1/4 डालोगे, अप्पे आंसर तुम्हारा आ जाएगा. बिल्कुल, वैल्यू पुट दिया आपने, वेरी गुड. आ जाओ, उसने बोला ये चीज दे रखी है, dy by dx क्या होगा और फिर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा. तो इसके अंदर कैसे निकालूं मैं आंसर? यहां पे e रेस टू पावर x प्लस एक्स वाई इक्वल टू e दे रखा है, या माइनस e इक्वल टू 0 दे रखा है. तो dy by dx याद रख लो माइनस ऑफ, डिफ्रेंशिएट ऐसा करो कि ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट अपॉन ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट. तो ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, तो यानी e रेस्ट पर x तो ऐसे ही रहेगा, y एज कांस्टेंट ट्रीट किया ये आ जाएगा, और माइनस 1 तो देखो ये e तो देखो यही दे देगा. दिस टाइम ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, तो e रेस्ट टू पावर कांस्टेंट अगर मेरे को दे रखा है तो पहले ही 0, एंड इसको ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट तो सिर्फ y आ जाएगा, सॉरी सिर्फ x आ जाएगा. तो x को तो आपने कांस्टेंट ले लिया है ना, हाँ, तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, एंड दैट्स इट. अब यहाँ पे आप डालो x को 0, x को 0 डाला, देखो x को यहाँ 0 डाला तो ये भी क्या आता है, ये आता है ना, तो y 1 है. अरे x को 0 डाला तो ये तो भाई नॉट डिफाइंड आ रहा है क्या, 0/0 आ रहा है क्या? ओ रे बाबा, एक बारी इसको देखने का, एक मिनट. जब x आपका 0 है तो e रेस्ट पर y प्लस 0 इज इक्वल टू e, तो y ऑटोमेटिकली अपना क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए. हाँ, तो ये 2 है, हाँ x 0, ये कुछ दिक्कत आ रही है.
ई की पावर वाई है. हाँ जी, ई की पावर. ओ ओ माय बैड, तभी मैं बोल रही हूँ आंसर कितना अटपटा आ रहा है. यही तो. अरे यार, मैं सोचू ट्रिक फेल कैसे हो रही है भाई. चलो दोबारा से कर लेते हैं. हाँ, एक्स नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं. ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, तो ये जीरो हो गया. किसको ट्रीट करूँ, वाई कॉन्स्टेंट है तो एक्स तो एज इट इज रहेगा. बस जी, बढ़िया. ट्रीटिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट दिस टाइम, तो ई रेस्ट बार वाई की इज्जत करनी पड़ेगी अपने को. ओके, एक्स एज कॉन्स्टेंट तो एक्स तो एज इट इज ही रहेगा. ओके, अभी डालो एक्स एज जीरो वाई एज वन. एक्स एज जीरो वाई एज वन. हो, ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट. भाई ये हो क्या रहा है, ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स. अरे तो वाई बचा ना, वाई एज कॉन्स्टेंट ले रहे हो तो. नहीं, हाँ मैम, हाँ, माइनस वन अपॉन ई. तो यानी आपका आंसर इन दोनों में से ही कोई होने वाला है, यानी आपका आंसर माइनस वन बाय ई आपका होने वाला है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर तो नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो. चाहे तो ऐसा कर सकते हो, इसको दोबारा से कुछ ट्रीट कर लो, है ना. मतलब मैं ये कह रही हूं कि अगर आप ऐसे ट्रीट कर लो कि भाई लेट जेड इक्वल टू, बट आई गेस द बेटर वे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर अब डायरेक्ट कर लेना. आप डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कर लेना, ठीक है ना. इतना कोई वक्त नहीं लगेगा. दिस विल बी माइनस वाई डैश इंटू एक्स प्लस ई रेस टू पार एक्स माइनस वाई इंटू वन प्लस ई रेस टू पार एक्स. अब आप वैल्यू डाल के एंड यू कैन चूज ए आ रहा है कि बी आ रहा है, ठीक है. तो ट्रिक आपकी यहाँ पे लग चुकी है, बाकी आप फिर लगा लेना. बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं. अब यहाँ पे देख लो, उसने डी एक्स बाय डी वाई मांगा है, तो पहले मैं उल्टा निकाल लेती हूँ और फिर उल्टा तो हम कर ही लेंगे. ओके, दिस वन सेज ए प्लस रूट टू बी कॉस एक्स इंटू ए माइनस रूट टू बी कॉस वाई, ठीक है. माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज जीरो, ऐसा कर लेते हैं. पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स ही निकाल रही हूँ. नेगेटिव ऑफ वाई एज कॉन्स्टेंट करके डिफ्रेंशिएट करना है. नेक्स्ट टाइम एक्स एज कॉन्स्टेंट करके डिफ्रेंशिएट करना है. तो वाई एज कॉन्स्टेंट बोले तो y as constant है, तो ये तो y constant है, पर ये तो टर्म ही अलग है ना. इसका एक्चुअली बेस्ट तरीका ये होगा कि आप इसे एक्सपैंड कर लो पहले. इसका बेटर वे विल बी आप एक्सपैंड कर लो या प्रोडक्ट रूल लगा लो, जैसे ठीक लगे, ठीक है. तो y अगर constant है तो ये टर्म को मैं एज इट इज चेप रही हूँ, इस टर्म को मैं एज इट इज लिख देती हूँ एंड इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. ऑफकोर्स तो डिफ्रेंशिएट करा तो दिस विल बी माइनस रूट टू बी साइन एक्स. ओके, नेक्स्ट टाइम एक्स को कांस्टेंट पुट करना है तो इसको एज इट इज पुट लेते हैं एंड इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो व्हाट विल आई गेट, रूट टू बी साइन वाई. दैट्स इट, ये आपका आंसर आ रहा है. नाउ यू आर गोइंग टू पुट x एंड y एज पाई बाय फोर, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको उलट देना, उसको उलट देना. यानी कि व्हाट एम आई गेटिंग, रूट टू बी, ये आ जाएगा वन बाय रूट टू, ठीक है. कर ही लेते हैं ना, आ जाओ. माइनस रूट टू बी इंटू वन बाय रूट टू. ओफ, ए प्लस रूट टू बी इंटू वन बाय रूट टू, रूट टू बी इंटू वन बाय रूट टू, ठीक है. ट्याओ 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 ट्याओ. अरे अरे अरे, ऐसे कैसे काट रहे हो नेहा मैम. थाम्बा थाम्बा, ए आया था ना यहाँ पे. हाँ, तो ये क्या आ रहा है, माइनस ए माइनस ऑफ ए माइनस बी टाइम्स, ये क्या आ जाएगा, माइनस रूट टू बी. तो ऐसा लिखने का, हाँ नहीं नहीं, इंटू बी. एंड नीचे यहाँ पे आ रहा है, क्या कट रहा है तेरा, ए प्लस बी. अच्छा, एंड यहाँ भी बी आ रहा है. उड़ी बाबा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, लेकिन आपसे उल्टा पूछा है, सो दी आंसर शुड बी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी. देख लो, देख लो. तो ट्रिक देखिए, हमने लगा दिया है, बल्ले बल्ले. कितने बच्चे को मज़ेदार लगा ये, कितने बच्चों को मज़ेदार लगा ये ट्रिक, ठीक है जी.
ठीक है जी, डन डन, ऑलराइटी। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये सिर्फ एक हैक है चीजों को याद रखने का, ये एक हैक है चीजों को याद रखने का। कैसे? सिंपल सा तरीका है आपको, देखो आर्ग्यूमेंट तो किसी भी सवाल में पूछी जा सकती है। ट्रिक क्या है या हैक क्या है? सिंपल, आपने एक बारी पता लगा लिया है कि कौन सा आपका क्वाड्रेंट है, तो याद करने का सिंपल हैक, यहाँ पे थीटा है, इसके नीचे नेगेटिव है उसी का, ऊपर 180 माइनस थीटा है, इसके नीचे बस नेगेटिव है उसी का। तो ये क्या ट्रिक है? ये याद करने की ट्रिक है, ये याद करने का हैक है, ताकि आप कभी भी गड़बड़ ना कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये सवाल लगा दिया, ठीक है, अब इसको देखो, z को 1 प्लस आयोटा लेके देखो, सॉल्विंग मुझे करनी पड़ेगी इनिशियली, z कॉन्जुगेट यानी 1 माइनस आयोटा, ये आई थिंक 1 माइनस z कॉन्जुगेट है ना, ये क्या है सवाल, 1 प्लस आयोटा टाइम z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इंटू 1 माइनस z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z, हाँ तो कॉन्जुगेट तो नहीं है, बस ये 1 ही है, हाँ 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस जेड, ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। देखो इसकी सारी सॉल्विंग होगी वो तो आपकी नॉर्मल होगी, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि जेड 1 को सॉल्व करके इतना बन जाएगा, ओए ओए हाँ, जेड 1 को सॉल्व करके क्या बन जाएगा, माइनस 1 प्लस आयोटा बन जाएगा। आई एम नॉट गेटिंग इन टू द सॉल्विंग, आई एम गेटिंग इन टू द ट्रिक, अभी मेरे को आर्ग्यूमेंट निकालनी है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा जल्दी बता दो, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा आपका नेगेटिव है, साइन थीटा आपका पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी जो भी आंसर आपका होगा वो पाई माइनस थीटा वाला होगा एज पर माई हैक, जो भी आंसर होगा आपका पाई माइनस वाला होगा एज पर माई हैक। कैसे निकालते हो? नॉर्मली आर्ग्यूमेंट 1 अपॉन माइनस 1 है ना, तो पाई माइनस पाई बाय 4 यानी कि 3 पाई बाय 4 आपका यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए, उसको आप इंटू 12 पाई बड़े बिंदास तरीके से कर सकते हो। तो हैक क्या था कि इसको मैं याद कैसे रख लेती हूँ, ठीक है, याद कैसे रख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये दे रखा है z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, यानी मॉड z मुझे 1 दे रखा है एंड आर्ग्यूमेंट थीटा, देन इसकी आर्ग्यूमेंट क्या होगी, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट। मुझे सिर्फ ये पता है, मैं इसकी सॉल्विंग करती हूँ, ठीक है, जैसे भी करके मुझे यही चीज़ मिल जाती है या z ही मिल जाता है। यहाँ पे तो मेरे को दिख ही रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ज़्यादा कुछ बचाने लायक नहीं है, कूल। पर एक चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली समझ में आ गई होगी, क्या क्या क्या, अरे बताओ ना क्या, कि आप क्वाड्रेंट कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये इस पे बाइनोमियल इवन पॉजिटिव और नेगेटिव में जाने से पहले, ठीक है, ये स्लाइड 130 है, याद रखना, काफ़ी सारे बच्चे ये वाला पूछ रहे थे, इसको पहले कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी पॉपुलर, रिमाइंडर थ्योरम उसके बाद वहाँ पे चली जाती हूँ। यानी भाई साहब देख रहे हो ना, पूरा मेला लग गया फाइंडिंग रिमाइंडर का। तो चलो यहाँ पे आते हैं एंड आपको ट्रिक या हैक सिखाती हूँ रिमाइंडर थ्योरम से सवाल बनाने का, आ जाओ, उसके बाद दूसरे वाले पे चलेंगे, पहले इसको बनाते हैं, पहले इसको फटाफट बना लेते हैं कि इसके सवालों को कैसे लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बच्चों। एक मिनट एक मिनट, ओके, दिस इज व्हाट आई हैव। फ्रैक्शनल पार्ट तो ठीक है, पर पहले हम डिवाइड कैसे करें, है ना, पहले हम डिवाइड कैसे करें देखना जरा। आपको इसको क्या कहते हैं, ये इस ट्रिक का नाम हमने दिया है पास आओ ना, ठीक है, तो यहाँ पे इसको पास लाओ ना है, यानी कि आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के बहुत पास पास लाना है, राइट, आपने
पास लाना, यानी कि आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के बहुत पास पास लाना है। कैसे पास पास लाओगे? आ जाओ 3 raised to 200, अभी यार 8 के पास लाना है। कैसे पास लाऊं? मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि 3 square इसको काफी पास पास ला सकता है, 9 हो जाएगा ना। 9 का मतलब मैं इसको 1+8 लिख सकती हूँ, और 8 या कोई मल्टीपल ऑफ 8 दिखे तो इसको खत्म, 1 raised to 100 रिमाइंडर आपका 1 होने वाला है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मुझे चाहिए तो 1/8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 1/8 ही तो होगा। पास लाओ ना, ठीक है, ट्रिक का नाम है पास लाओ ना, और इससे बहुत सारे सवाल हमने करे हुए हैं। 3 raised to 2022 डिवाइड बाय 5। बताइए, बच्चे हंस रहे हैं, इसको क्या बोले? 3 raised to 2022 इज डिवाइडेड बाय 5। अब फिर से आपने बेसिकली इसको पास लाना है 5 के। क्या करूं मैं यार, मैं 3 square अगर करूंगी तो वो 9 आ जाएगा, है ना। मतलब अगर मैं ऐसे करूं, 9 को कैसे लिख सकती हूं मैं? 10 minus 1, क्यों हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? अरे ये पास आ गया ना, मल्टीपल बन गया, तो यानी रिमाइंडर क्या बचा? -1 raised to power 1011, -1 बचा, नेगेटिव तो होता नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ये ऐड करके 4 आंसर तोड़ दोगे, ठीक है, डन। ये कैसे क्वेश्चन है भैया? एनटीए के क्वेश्चन है, मैंने तो बनाए नहीं है। डन, ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है जो पूरी बायनॉमियल एक्सपेंशन के साथ आ रहा होता है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। ये बताओ जरा, इसको कैसे करोगे जरा भाई? (7 raised to power 103) डिवाइडेड बाय 17। तो ट्रिक क्या कहता है? पास लाओ ना, ठीक है, कि आपको न्यूमरेटर को 17 के पास लाना है। कैसे लाओगे? देखो मुझे इतना दिख रहा है कि 7 square 49 है ना, और 49 51 के पास है, और 51 17 का मल्टीपल है, तो बात बन जाएगी। ऐसे आपको इस डायरेक्शन में सोचना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 7, अब मेरे को पता है कि यार ये कोई डिविजिबल थोड़ी ना, इसके साथ कोई बात नहीं, आपका 1 7 यानी बच जाएगा। अब इस 49 को आप कैसे लिखोगे? 49 को लिख दो 51 minus 2, ये क्या हो गया? खत्म। -2 raised to power 51 लेकिन अभी भी बचा है, और एक ये 7 घूम रहा है हमारे सिर पे, कोई बात नहीं। अब 8 बना लेंगे, 8 minus 1 raised to power 17। एग्जैक्टली, तो अब वहीं जा रही हूं अब मैं। ये देखो, ये माइनस साइन बाहर आ चुका है, 2 raised to power 51 को 17 के पास कैसे लगाऊं? 2 raised to power 4 16 के पास है, या तो 8 से पास ले जाओ या 16 से पास ले जाओ, तो क्यों ना हम 16 ज्यादा पास है नहीं हम, तो 2 raised to power 4 कर लूं, तो बाकी कितना बच जाएगा आपका? अरे 14 का टेबल 13, तो 12 एंड 2 क्यूब बच जाएगा, यानी कि 7। अब इस 16 को आप लिख सकते हो 1+16 को लिख सकते हो 17 minus 1, ठीक है, ये लो जी खत्म। -1 raised to power 12 यानी यहां से माइनस बचेगा -56/17। अब ये तो आप वैसे ही कर लोगे, 17 3 51 होता है, यानी रिमाइंडर -5 बच जाएगा। नेगेटिव हो तो इसको ऐड कर देना, तो द रिमाइंडर इज 12। कितने बच्चों को 12 मिल गया? हाँ 16 बना दिया जी, आपने कहा था हमने बना दिया, आपका हुक्म सर आंखों पर, ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर बना दिया हमने। मजे आए कि नहीं? क्वेश्चन तो ठा हो गया बेटा, 12 था, आंसर दे दिया, राइट। बट यहां पे अगर मैं देखूं, देखो और कितने सारे सवाल हैं जो एक्चुअली मैं बाइनोमियल थ्योरम के 2.0 पे करा चुकी हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए थे, ठीक है, इसको हमने कर लिया। ये देखो, अगर आपको 4 ही दिख रहा है तो आपको पता है 15 के पास लाओ ना, कैसे लाओगे? 4 square 16 होता है, 16 को आप 15+1 लिख सकते हो। दिमाग में चलना चाहिए, चक्कर चलने स्टार्ट हो जाने चाहिए, राइट। 2023 raised to power 2023 divided by 35। एक याद रखना लाइफ में फंडा,
कि अगर आपने कुछ काटा है तो उसको आपको इंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी कि अगर मैं ये बोल दूं 2023 रेज टू पावर 2023 डिवाइड बाय 35, अभी इसको कैसे करूंगी मैं 35 के मल्टीपल में मुझे इसको लिख देना चाहिए. करेक्ट, पास तो तभी आएगा ना. वो कैसे लिखूं, थोड़ी सी डिवीजन करनी पड़ सकती है आपको. 1995 तो प्लस या माइनस क्या बचेगा सर, वो बताओ. 28 क्या बच्चा, 28 बचेगा. इंटू जो जो भी करके प्लस 28 बच जाएगा. ठीक है, जो जो भी करके प्लस 28 बच जाएगा, उसको चेक कर लेना. यानी आपका सवाल यहां से तो कट जाएगा, ये न्यू सवाल बन जाएगा आपका. करेक्ट है. अब इसको अगर आप चाहो तो इस प्रकार से तोड़ भी सकते हो. राइट, कि इसको अगर आप चाहो तो इसको आप 7 raised to power 2023 एंड 4 raised to power 2023 करके तोड़ सकते हो. एंड ये भी 7 into 5 लिख दो. अब दिमाग में ख्याल आ जाता है कि इसको तोड़ दूं मैं 7 2022, यानी सिर्फ 5 से हो जाएगा, वो सही है. अब आप इनको बेसिकली अलग अलग करोगे, 7 2022 डिवाइड बाय 5 एंड 4 raised to power 2023 डिवाइड बाय 5. इसको आप 5+2 से कर दोगे, इसको आप 5-1 से कर दोगे, दिक्कत वहां नहीं है. एंड में जब रिमाइंडर आएगा, लाइफ में कभी भी उधार लोना वापस करना पड़ता है. आपने 7 काटा था, जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर आएगा उसको आपको इनटू 7 करना पड़ेगा. बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपने कुछ काटा तो आपको उसको वापस मल्टीप्लाई अंत में करना पड़ेगा. ठीक है, बस दैट्स इट. बाकी ये ट्रिक वही है. अच्छा चलो हम थोड़ा सा रिवर्स में चलते हैं, क्योंकि हमने एक अब ट्रिक करनी थी. कौन सी, इवन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव हैक. इवन पॉजिटिव और ऑड नेगेटिव हैक. ठीक है, आ जाओ. काफी सारे सवाल आपके इससे भी पिछले 5 सालों से पूछे गए हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रिक इज दिस. है तो फॉर्मूला याद करने का एक सिंपल सा हैक है. अगर मेरी सिचुएशन ऐसे बन जाए, जरूरी नहीं है 1+x^n ही हो, a+b^n, a-b^n, इन शॉर्ट ये दोनों और ये दोनों बराबर होने चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए और बीच में प्लस और माइनस का फर्क होना चाहिए. सो इन दिस केस जब मैं इनको ऐड करती हूँ और जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो अरे लिखा क्यों नहीं हुआ भाई, चल मैं बता देती हूँ. ट्रिक क्या कहती है, इवन पॉजिटिव, यानी अगर मैंने इनको ऐड किया, अगर मैंने इनको ऐड किया, प्लस किया यानी ऐड किया, तो सारे इवन वाले आपके हमेशा ये लोअर वाले पावर्स आ जाते हैं. ऑड नेगेटिव, एक मिनट, मतलब अगर मैंने माइनस किया तो सारे ऑड वाले ये आपके आ जाते हैं. समझ में आया. चलो इसको इस सवाल में लगा के देखो. हाँ जी, कौन, कब है, क्यों मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज. ओके, अल्फा एंड बीटा आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर. प्लीज चेंज द पेन, आई कांट सी. इफ अल्फा एंड बीटा आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 एंड एक्स रेज टू पावर 2 इन दिस एक्सपेंशन, तो क्या होगा. अब यहां पे देखो, ये एक तरीके से ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है. तो आप इसमें हैक लगाओ सीधा, सबसे पहले इवन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव. अब कई बच्चे हो सकता है बोले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का तो नहीं है मैम, आउट ऑफ सिलेबस है. आपको दो एक्सपेंशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने नहीं बोला कि आप कोई प्रॉपर्टीज लगाओ. आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे डायरेक्ट कर लो. मैं तो आपको छोटा हैक बता रही हूँ, -1 raised to power 12 होगा. अच्छा ठीक है, जो भी होगा देख लेना, गलती से अगर दो बार लिख दिया होगा तो है? जा, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा सर, काम करने दो. अच्छा चलिए, ये काम कर रहे हैं हम, इवन पॉजिटिव और ऑड नेगेटिव. बेटा अगर पीछे कुछ प्लस माइनस वाला कोई रेज टू पावर गड़बड़ हो गया, उसको देख लेना, कोई बात नहीं, अब इस पे फोकस कर लो. यानी इसके अंदर मैं बोलूंगी पॉजिटिव है ना, यानी ट्वाइस ऑफ मेरे पास आएगा 6c0, जो भी बनेगा
6C2 जो भी बनेगा, 6C4 जो भी बनेगा, और 6C6 जो भी बनेगा, राइट right? जो भी बनेगा, ओके okay. 6C0 यानी आप ऐसे लिखते कैसे हो, वैसे a रेस टू पावर 6 यहाँ लिखते हो, a रेस टू पावर 4 b रेस टू पावर 2 यहाँ लिखते हो, a रेस टू पावर 2 b रेस टू पावर 4 एंड यहाँ पे लिख रहे होते हो आप b रेस टू पावर 6. a एंड b तुम्हारे सामने है, ऑलरेडी है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a रेस टू पावर 6 6C2 के साथ a रेस टू पावर 4 b स्क्वायर, यानी कि सिर्फ x स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, 6C4 a स्क्वायर b रेस टू पावर 4 यानी x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 6C6 ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 एंड ये x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब. बस आपको अब इसको सिंप्लीफाई करके जिसके पास भी x रेस टू पावर 4 एंड x रेस टू पावर 2 की पावर है उनको ऐड कर लेना पड़ेगा, दैट्स इट. ठीक है, यानी कि जो भी आपको देखो इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, अंत में जो भी बचेगा x रेस टू पावर 4 की पावर एंड x रेस टू पावर 2 की पावर को आप अंत में ऐड कर लोगे. लेकिन आई होप है सिर्फ फॉर्मूला, हैक की तरह क्या बता रही हूँ कि याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, इवन पॉजिटिव और ऑड नेगेटिव. लाइक बढ़ रहा है कि नहीं बच्चा, लाइक बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है आगे बढ़े. लेट मी सी, आई वॉन्ट टू सी सम राइज. चलिए मेरे को थोड़ा सा लाइक यहाँ पर देखने का है, जल्दी 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 करो, जल्दी 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 करो. कम ऑन माय आर्मी. ओके, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फिर से वही चीज देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, इवन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव. तो यह है ना, आपको पता है नेगेटिव वाले कोफिशियंट आ रहे होंगे, तो क्या करोगे आप, लिखोगे 2nc1 एंड जो भी यहां पर आपका आएगा a के साथ 2n माइनस 1 एंड b प्लस ऑड, मतलब सारे ऑड वाले ये कोफिशियंट आपको मिल रहे होंगे, सारे ऑड्स वाले कोफिशिएंट्स आपको मिल रहे होंगे. तो नेहा मैम मैं कहां तक जाती रहूं, अरे बता रही हूं यार, बता रही हूं. एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. तो अभी मैं वैल्यू डालती हूं इसमें, 2nc1 बी ठीक है. इस तरह से आप आगे पढ़ोगे. अब खुद से यहां पे देखो, अगर मैं इसी तरह से आगे बढ़ती चलूं, यहां पे NC1, NC3 इस तरह से आगे बढ़ती जाऊं, इवेंचुअली मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं 2 रेस टू पावर n प्लस 1 ले लूं, या आप सब काटम पीटी देख के √3 टाइम्स सब इंटीजर, तो अमंग्स दी ऑप्शंस ये मुझे एक इरेशनल नंबर मिल रहा होगा. डन, इससे ज्यादा समय इस पर स्पेंड नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे अगली ट्रिक की तरफ, द कैफे अप्रोच हैक टू आइडेंटिफाई एनी डिफरेंशियल इक्वेशन. चलिए ये देखती हूं मैं कितने बच्चे बताते हैं. हैक टू आइडेंटिफाई एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, बता दो मुझे, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, कम ऑन गाइज. चलो चलो चलो, थोड़ा जोश दिखना चाहिए मुझे. डिफरेंशियल इक्वेशन को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, वो लीनियर है, वो वो होमोजीनियस है, वो वेरिएबल सेपरेबल है, वो क्या है. एक और चीज़ आपको बता दूं, जब पेपर पास पास आते हैं ना, रेलेवेंट सेशंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी सेल्फ स्टडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए किसी भी तरह की नेगेटिविटी से, किसी भी तरह के फालतू वीडियोस से, किसी भी तरह की चीज़ों से प्लीज़ अपने आप को दूर रखिए. इतना एज अ सीनियर टीचर ऑन यूट्यूब मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ, ठीक है. 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे पढ़ाते हुए, और 15 साल एनीवे मैं 2009 से पढ़ा रही हूँ बच्चों को. जितना आप फोकस्ड वे में पढ़ सकते हो यूट्यूब से, प्लीज़ डू दैट, राइट एवरीथिंग. एंड मैं यहाँ पे बड़ा प्राउडली कह सकती हूँ कि
यहाँ पे पिछले इतने सालों से, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसा चैनल जिसका एक एक व्यू सिर्फ बच्चों के दम पर आया है, कहीं से भेज कर इधर उधर करके, नथिंग हैज़ कम। वी हैव बीन वर्किंग, मतलब जो भी नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँचता है बच्चों तक पहुँचता है। हाँ, सुबह मैंने एक वीडियो ज़रूर किया था कि कई बच्चे मेरे को कह रहे थे नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहे, एंड आई वॉन्टेड टू से इस सेशन को मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। ओके, एंड इन फैक्ट जब आगे बढ़ेंगे ना, आई नेवर गेट इन टू कि यार पेपर हम पहले सॉल्व करें या तुम पहले सॉल्व करें। आई बिलीव इन गिविंग मैक्सिमम सोल्यूशन, इसलिए पिछले 3 सालों से वी हैव बीन वर्किंग ऑन स्पीड सोल्यूशंस। जब मैक्सिमम मेमोरी बेस्ड सवाल हमारे पास आ जाते हैं, हम पेपर को आपके सामने आके मैं सॉल्व कर देती हूँ, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ओके, ट्रिक टू आइडेंटिफाई। देखो मैंने एक ही बताया था आपको, कैफे अप्रोच। सबसे पहले आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, सी स्टैंड्स फॉर कन्वर्टेड इन टू द फॉर्म dy बाई dx या dx बाई dy, जो भी एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन है। नॉर्मली तो dy बाई dx से हो जाता है। नंबर 2 स्टेप होता है ए, आस्क, पूछो कि ये कौन सा फॉर्म है। अरे नेहा मैम वही तो पहचानना था कौन सा फॉर्म है, हाँ वही बता रही हूँ। होमोजीनियस आपको तुरंत पकड़ में आता है, कैसे, एवरी टर्म has the same degree, every term has the same degree, ठीक है। okay, variable separable, यानी कि आपको दिख जाएगा ध्यान से ही कि भैया एक function और dx, एक function और dy अलग अलग आप कर सकते हो, तोड़ सकते हो दोनों तरफ से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अगर ये दोनों नहीं है तो ऑब्वियसली बात है लीनियर डिफरेंशियल है। dy बाई डी एक्स प्लस आपके दो फॉर्मेट आते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां p एंड q या तो कॉन्स्टेंट हो सकते हैं या फंक्शन इन x, या फिर dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस, जहां पे r एंड s कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं या फंक्शन ऑफ y, ठीक है। फॉलो द मेथड, क्या मेथड, होमोजीनियस में आप y इक्वल टू वी एक्स या x इक्वल टू वी वाई डालते हो, वेरिएबल सेपरेबल में सीधा अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हो, एंड लीनियर में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका सोल्यूशन निकालते हो। e स्टैंड्स फॉर एक्सेप्शनल केसेस, कैसे, आपसे बर्नौली पे आ सकता है सवाल, जो काफ़ी हद तक आपकी लीनियर से मिलता जुलता है, जो कि एक कल्प्रेट फैक्टर होता है उसको आप काट देते हो, या फिर कोई सब्सटीट्यूशन से बात बन रही होती है, या हो सकता है वो कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो ये हैक क्या है, कैफे अप्रोच कहती है हम पहचाने कैसे कि क्या करना है मुझे, ठीक है। क्या हो गया इसको भाई, अब आपके सामने 3 सवाल है, मैं एक एक करके ना आपको इसको नंबरिंग करती हूं, अब मजा आएगा। 1 2 3। सबसे पहले फर्स्ट वाले पे आ जाओ, सॉल्व नहीं कर रही, ये ट्रिक है आइडेंटिफाई करने की। फर्स्ट वाले पे आ जाओ और मुझे बताओ कि यहाँ पे फर्स्ट वाला कौन सा होगा, मुझे बताओ यहाँ पे क्या फॉर्मेट होगा। लेट मी सी कितने बच्चे बता पा रहे हैं। तो गोइंग बाय द कैफे अप्रोच, सी स्टैंड्स फॉर कन्वर्ट इन द फॉर्मेट डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। मुझे ज़रा देख के बताओ कौन सी फॉर्मेट लग रही है आपको। अच्छा इसको वाई इंटू एक्स प्लस वन ही रहने दे, तो बच्चे पहचान पा रहे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। जैसे ही आपने पढ़ा, अब खुद से आप पूछो क्या ये होमोजीनियस है, नहीं, क्योंकि ये देखो इसको मिला दूँ तो डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इट्स नॉट होमोजीनियस। तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकती है, आओ देखें। हाँ नेहा मैम, अरे ये तो बढ़िया हो गया, बस अब आपको पता है आगे क्या है। तो कैफे के तो अक्सर कैफ में ही आपने पढ़ जाते हो, तो ये देख लो आप, इसको अलग कर लो ज्यादा से ज्यादा। लॉग मॉड वाई इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, ठीक है, एंड माइनस टू बाय एक्स, माइनस टू बाय एक्स क्यूब,
प्लस सी, एंड बाकी आप जो करना है वो करना है, उस पर मैं जा नहीं रही। क्या आप लोगों ने, इसको कहते हैं दोस्तों पेन तोड़ सवाल। पेन ही गिरा दिया, अरे यार बेचारे पेन को पेन हो गई है। एनीवे बहुत पुराना जोक था, बट आई होप आपको पकड़ में आया कि ये कैफे अप्रोच आपकी यूज़ कैसे हो रही है। या वेरिएबल सेपरेबल पकड़ा सबने, आओ अब दूसरा वाला देखो क्या लगता है ये क्या है, व्हाट इज दिस बच्चों। यहाँ ये ऑलरेडी इस फॉर्मेट में है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये चीज़ है। एंड आई गेस देखते ही दिल गार्डन गार्डन हुआ होगा, आपके मन में लड्डू फूटा होगा दोस्तों। व्हाट इज इट, कैफे अप्रोच का सी इसमें ऑलरेडी हो चुका है। जब आपने सवाल पूछा और पूछा कि होमोजीनियस है, इसकी डिग्री टू, इसकी डिग्री टू, वन प्लस वन, इसकी डिग्री टू, यस। एफ में आ जाओ तो होमोजीनियस के लिए क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई इक्वल टू वी एक्स कर दोगे, वी जहाँ पे एक वेरिएबल होता है ना। हाँ हंस लो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू, एंड यहाँ पे आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड बाकी तो आपको बताइए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, ठीक है। बस क्या बता दिया भाई मैंने, ठीक है जी, डन डन और डन, सो दैट्स इट। अभी इसको तोड़ो मोड़ो, कहीं का मत छोड़ो। ठीक है, अब एंड तक एक्चुअली सॉल्व करने का इरादा नहीं था मेरा, पर आपको ये देखो ये करते ही ना फिर वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। आइडेंटिफाई किया, पकड़ लिया आपने, दो दो क्लिकर में क्या कर रही हूँ लेके, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, ठीक है। तो चलो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से कैफे अप्रोच कहता है पहले तो भाई कन्वर्जन करो, तो dx के साथ 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब है ना, यानी कि 1 बाय एक्स क्यूब प्लस वाई अपॉन एक्स क्यूब। देखो अगर आप गौर से देखो इस दरिंदे को, आस्क जब तुम सवाल पूछते हो कि ये कौन है, तो वो कहता है देखो होमोजीनियस में होनी, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, अलग ही लेवल चल रहा है। वेरिएबल सेपरेबल नहीं जी, तोड़ फोड़ आप कर नहीं सकेंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन कम से कम 2500 के बाद, लाइक के बाद, ठीक है। अच्छा तो फिर ये क्या है, ये आपका क्या वही है जिसका तुम्हें था इंतजार। अरे देवा रे देवा, ये क्या किया रे, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वन बाई एक्स क्यूब, बिंगो, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो ऑसम। बस अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो एंड सॉल्यूशन निकालो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। देखो पूरी पूरी सॉल्विंग देखनी है वो आप फिर 2.0 के डिफरेंशियल इक्वेशन में जाके देख सकते हो। आइडिया ये है कि तुम पहचान गए कि नहीं पहचान गए, दैट्स इट। तो कैफे अप्रोच में मेजॉरिटी टाइम सवाल ऐसे ही बन जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट ट्रिक या हैक या जुगाड़ आपका क्या कहता है, फाइंडिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तैयार हो इसके लिए एवरीबडी, इस सवाल को फोड़ने के लिए तैयार हो, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बता दो मुझे, क्या इसको करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आ जाओ इसके अंदर कैसे पहचानते हो, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिसके अंदर स्पेशली पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर मॉड है ना, यहाँ पे बड़ा स्पेसिफिक केस में बता रही हूँ, लेकिन सवाल आते हैं इन्वॉल्विंग मॉड फंक्शंस, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, अरे इन्वॉल्विंग मॉड फंक्शंस। क्या करेंगे इसमें, देखो जहां जहां भी मॉड हो, एक आपको ट्रिक बताऊंगी जो 99.9% चीजों में चल जाती है, ठीक है।
अगर आपको चेक करना भी पड़े टू बी वेरी 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 श्योर, तो वो भी बताऊंगी कहाँ करना होता है। अगर आपका मॉड स्प्लिट हो रहा है तो वो सारी पॉइंट ऑफ स्प्लिटिंग पे याद रख लो, वो सारे पॉइंट्स ऑफ स्प्लिटिंग पे हमेशा नॉन डिफरेंशियबल होता है क्योंकि वो शार्प पॉइंट दे देता है। लेकिन अगर आपका वो पॉइंट रिपीट हो रहा है तो एक तरीके से ऐसे माना जाता है, नॉट लिटरली, लेकिन एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर जाता है और फिर वो डिफरेंशियबल हो जाता है। फॉर इंस्टेंस सवाल दिखाती हूँ, ये देखो, ये मैंने आपको करा भी रखा है क्वेश्चंस में। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन, पूरा का पूरा फंक्शन है, इज नॉट डिफरेंशियबल। कितने पॉइंट्स पे ये नॉट डिफरेंशियबल होगा, ध्यान से देख लो। आप सबसे पहले तो अगर कहीं मॉड स्प्लिट हो रहा है, पहले कर दो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस क्या दे रहा है, एक्स माइनस थ्री तो एज इट इज है, इसका कुछ नहीं है, इसको तोड़ोगे तो एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन। इसको मैं ऐसे सेपरेट तोड़ के भी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो जो जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, अब अपने आप बता दो मुझे कहाँ कहाँ आपका फंक्शन टूट सकता है। एक मिनट बच्चा जी, एक मिनट रुको, अरे यार, हाँ अभी बताओ कहाँ कहाँ पे आपका, देखो यहां पे कहाँ टूट रहा है, वन पे, ये तो कॉस के अंदर है, कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा या कॉस ऑफ माइनस थीटा सेम ही बात है, तो इसको आप छोड़ दोगे। यहां पे फिर से किस पे टूट रहा है, वन पे टूटेगा, है ना, यहां तो एक्स माइनस थ्री ही है, यहां क्या है, यहां एक तो फोर पे टूट रहा है, एक वन पे टूट रहा है। अच्छा तो कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी यहां पे आएंगे, कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आपको यहां पे मिल जा रहे हैं, जल्दी से बता दो बच्चों। देखो टू तो है नहीं, वन आपका रिपीट कर रहा है कितनी बार, तीन बार। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स करता तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल हो जाता, नॉन डिफरेंशियबल ना होता, लेकिन ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कर रहा है, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, तो वन होगा एंड उसके अलावा फोर होगा, तो दो पॉइंट्स वन एंड फोर पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशियबल होगा, सो टू सच पॉइंट्स। कैसा लगा ट्रिक, ट्रिक या हैग, बिना सॉल्व किए कर दिया सॉल्व, है ना, बिना सॉल्व किए लोग कर दिया सॉल्व। एक और सवाल को अब अपने आप लगाओगे, पी वाई क्यू है ऑब्वियसली, 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 ये लो आ जाओ यहां बताओ। तो आप सबसे पहले तो यार फंक्शन को अच्छे से देख लो, कहीं भी और ब्रेक हो रहा है या क्या, उसको ढंग से तमीज से लिख लो। दिस विल बी एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, माइनस हाफ पे हो रहा है, माइनस टू पे हो रहा है, माइनस टू पे हो रहा है एंड वन पे हो रहा है। माइनस हाफ एक ही बार आया, वन एक ही बार आया, माइनस टू रिपीट हो गया। ऐसा ट्रिक के अंडर कहते हैं कि अगर इवन नंबर ऑफ टाइम सेम नंबर रिपीट कर रहा है तो वो एक दूसरे का इफेक्ट किसी तरह कैंसिल कर देगा एंड आपके पॉइंट्स अक्सर दो ही आएंगे, तीन नहीं आएंगे, दो आएंगे। अच्छा कभी हमें डाउट हो जाए, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एल एच डी आर एच डी टू पे निकाल के देख लेना, ठीक है, एल एच डी आर एच डी टू पे निकाल के देख लेना अलग से, आप देखोगे फंक्शन डिफरेंशियबल हो चुका होगा, अगर आपको कहीं डाउट ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन इवन नंबर मतलब आपस में इफेक्ट कैंसिल होके वो डिफरेंशियबल ही बन जाएगा, ऑड नंबर मतलब दाल में काला है, ठीक है। चलो अब इस काली दाल को पकड़ो, अंत तक नहीं सॉल्व करना मुझे, प्लीज प्लीज मुझे एंड तक कुछ भी नहीं सॉल्व करना, सिर्फ इसको यहीं का यहीं रखो, ठीक है, इसको यहीं का यहीं रखो। अब बताओ मुझे क्या करें, यहाँ पे मज़ेदार था ये जुगाड़, यहाँ पे आपको पता है किधर आ रहा है, x माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ऐसे तोड़ोगे ये तो, देखो e रेस्ट टू पार को तो कोई फर्क पड़ता है नहीं,
ई रेस टू पावर व्हाटएवर व्हाटएवर को तो कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, मेजर फर्क मॉड पे पड़ रहा है. एंड मॉड पे यहाँ पे थ्री पे और वन माइनस वन पे दोनों ही ऑड नंबर ऑफ बारी है, टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स, दैट्स इट. आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा तरीका ये कहता है आप एफ डैश एक्स निकालो ब्ला 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 एंड फिर अल्टीमेटली देख लो ये चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है. आई होप मज़ा आया आपको देख के, ठीक है, मज़ा आया आपको देख के. चलो इसमें भी बता दो, अब इतने मज़े आ गए हैं तो फिर इसको भी बता दो. चलिए नॉट डिफरेंशियबल एट विच पॉइंट्स, देखो अब उसने क्या कहा है, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, देन इसका वैल्यू क्या होगी. अब कोई बच्चा कह रहा था दो बार मॉड आए तो नेहा मैम क्या करेंगे, तेरे लिए ही है सवाल बच्चा, आ जा. क्या करूं मैं इसके अंदर, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात हो रही होगी मैं अंदर वाला हमेशा अंदर के झगड़े, अरे घर के अंदर झगड़े हैं तुम बाहर क्या ज्ञान बांटोगे, समझ रहे हो. तो मॉड x माइनस थ्री आपको पता है x माइनस थ्री की तरह स्प्लिट होता है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड थ्री माइनस x की तरह व्हेन x इज लेस देन थ्री, राइट. तो f ऑफ x इस हिसाब से क्या क्या आ जाएगा, अभी मैं मॉड के हिसाब से इसके हिसाब से ले रही हूं तो इट विल बी टू माइनस x माइनस थ्री, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड टू माइनस थ्री माइनस x फॉर x लेस देन थ्री, ठीक है. ऐसा क्यों बनाया मुझे पता नहीं, ब्रेसेस बनाने चाहिए थे. यानी एक प्रॉब्लम तो आपकी थ्री पे आएगी, एक तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया है हमसे, थ्री पे टूट रहा है. अब ये क्या हो रहा है, इसको जरा सॉल्व करो, टू माइनस एक्स एंड यहाँ पे तो मॉड ऑफ फाइव माइनस एक्स एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, ला 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 एक्स माइनस वन. तो थ्री पे टूटा, फाइव पे टूटा, वन पे टूटा, अरे सो मच टूटिंग. तो लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, कहाँ कहाँ नहीं है डिफरेंशियबल, वन थ्री और फाइव पे. एस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, लो दीज आर द पॉइंट्स इन एस. अब बस आप एक्स बिलोंगिंग टू एस एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा आपको एंड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो क्या होगा, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फाइव. F अप्लाइड टू f ऑफ वन, f अप्लाई टू f ऑफ थ्री, f अप्लाई टू f ऑफ फाइव, जो आप एक एक करके इसके अंदर वैल्यू डाल रहे होगे कॉम्पोजिशन के बाद एंड आपका आंसर आ जाएगा. ट्रिक यहां नहीं है, ट्रिक यहां है जो मैंने आपको बता दिया है. चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, आ जाओ फिर भाई साहब. कितने सारे एग्जाम्पल डाल दिए कि डिफरेंशिएबिलिटी में मुझे समवेयर लगता है बच्चों को थोड़ी सी कई बार दुख दर्द पीड़ा होती है. हाँ यहाँ क्या करूँ, कितनी ट्रिक है, अरे भाई तुम बताओ कितनी हो चुकी है और कितनी है जो बच्चे शुरू से बैठे हैं. लेट के बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल. अच्छा तो वही पूछ रहा है वो आपसे, देखो ये कहाँ टूटेगा, जीरो पे. मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, आए हाय यहां टूटेगा जीरो पे, यहां टूटेगा जीरो पे, यहां टूटेगा जीरो पे, इनफैक्ट यहां पे नहीं टूटेगा. अच्छा ये ओ माय गॉड ये स्टेप गेम चेंजर है, बताओ कैसे. साइन ऑफ मॉड एक्स तो टूटेगा, मॉड एक्स भी टूटेगा, कॉस ऑफ मॉड एक्स नहीं फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि कॉस ऑफ एक्स हो या माइनस एक्स हो नहीं फर्क पड़ेगा, काय जला नहीं फर्क पड़ेगा, है ना. एंड बिकॉज ऑफ दिस, वरना देखना आंसर गलत आ जाता, बिकॉज ऑफ दिस एंड यहां तो है ही नहीं, दो बार आपका जीरो आ गया, दो बार जीरो यानी इवन से इवन खाई टक्कर, उड़ गया बेटा, ठीक है, भबक्कड़, ठीक है, जीरो ने जीरोज ने जीरो के साथ खाई टक्कर, उड़ गया बेटा भबक्कड़, यानी कोई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है ही नहीं, ये आपका नल सेट है, ये आपका नल सेट है. बड़े सारे बच्चे पता नहीं क्यों इसमें एक्स और पाई आंसर दे रहे हैं भाई, मॉड पे चेक करते हैं, एक्स माइनस पाई तो नॉर्मल लिखा है, मॉड थोड़ना यहां पे,
लेकिन यह एक बार और जीरो लिख देते तो ऑड नंबर हो जाता, ये आंसर दे देते गलती से। क्योंकि कॉस ऑफ मॉड एक्स है तो कॉस के अंदर मॉड को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मौजा ही मौजा शाम सवेरे। ठीक है, बढ़िया। हा, स्ट्रेट लाइन सेक्शन फॉर्मूला, ये एक छोटा सा हैक है। देखो ये कहना गलत होगा अगर मैं आपको बोल दूं कि यार इससे बहुत बड़े बड़े सवाल आपके क्रैक हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसा हैक है जो आपका क्वेश्चन के बीच में कहीं समय बचा देगा। व्हाट डज इट से? स्ट्रेट लाइंस, ये वैसे मैंने स्ट्रेट लाइंस का 2.0 करते हुए भी आपको बताया था। क्या स्ट्रेट लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, डिवाइड द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स। ठीक है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, इस प्रकार से अगर कोऑर्डिनेट दिए हो और मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन दिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट्स, ये स्ट्रेट लाइन है तुम्हारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इन द रेशियो, जो भी आपका इन द रेशियो, रेशियो कैसे करा, अगर आपने लेट्स से सेक्शन फॉर्मूला से निकालना चाहते हो बिंदास निकाल लो, अगर नहीं निकालना चाहते तो हैक क्या कहता है, पहले इस पॉइंट को इसके अंदर डाल दो, फिर सेकेंड पॉइंट को इसके अंदर डाल दो, ठीक है, एंड माइनस कर दो। और अगर वो अंत में माइनस ही रहा तो एक्सटर्नल डिवीजन थी, अगर वो प्लस हो गया तो वो इंटरनल डिवीजन थी। ठीक है, आ जाओ ये सवाल करके दिखाओ मुझे, 2012 का है, डोंट बॉदर अबाउट इट, ये क्वेश्चन का एक पार्ट आ सकता है, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी करके देखो इसको कैसे करोगे। उसने कहा लाइन जो है, मैंने कुछ नहीं करना, नहीं मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बाबू। आपका रेशियो क्या आ जाने वाला है, आपने पहले ये वाला पॉइंट डालना है इसके अंदर, तो आपने बोला है 2 प्लस 1 माइनस के, फिर आपने ये वाला पॉइंट डाल देना है तो आपने बोलना है 4 प्लस 4 माइनस के, ठीक है, और आपने इसका माइनस ले लेना है। दिस हैज बीन गिवन टू बी इक्वल टू 3/2, बस जी इतनी सी बात थी बच्चा, के माइनस 3, यहाँ पे 8 माइनस के इक्वल टू 3/2, तो 2k माइनस 6 इक्वल टू 24 माइनस 3k, तो 5k इक्वल टू 30, तो k इज 6। झटपट सवाल, झटपट सवाल हो गया, हो गया, इट्स किल्ड एंड स्लॉटर्ड। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो यार ये गलत बात कर रहे हो तुम। ठीक है, चले आगे बढ़े, आई थिंक सवाल काफी उल्टा लिया तो बेटा फिर मार्क्स भी उल्टे ही मिलेंगे है ना। चलिए पोजिशन ऑफ टू सर्कल्स, अब देखो टेंजेंट से सवाल नहीं आ सकता, आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछ सकते कितने टेंजेंट बनेंगे, लेकिन कितनी बार टच कर रहा है, कैसे टच कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, राइट। सो इसके लिए मैंने एक हैक बताया था, ये वाला। इस हैक को या ट्रिक को हम क्या करते हैं, बोलते हैं एक्सरसाइज वाली ट्रिक। चलिए दोस्तों आ जाइए, बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो तो पिटाई, कितने बच्चे तुम में से बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, और कितने बच्चे प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो, अगर बेड वालों को पिटाई है, ठीक है, टेबल चेयर वालों को मिठाई है। एनीवे बच्चे सारे ही खड़े हो जाएं और ऐसे करें, कैसे करोगे, दिस इज केस वन, दिस इज केस टू, दिस इज केस थ्री, दिस इज केस फोर एंड दिस इज केस फाइव। मतलब दूर हो आप केस वन, है ना, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले, दूर हो आप केस वन, दो सर्कल टच कर गए केस टू, इंटरसेक्ट कर गए आपस में केस थ्री, एक दूसरे के अंदर चला गया एक पॉइंट पे चिपक के केस चार, और एक दूसरे के अंदर चला गया विदाउट चिपक के केस पांच। ठीक है, तो केस वन हम है दूर दूर, केस टू हम आ गए चिपक गए, केस थ्री अंदर इस तरह से इंटरसेक्शन हुई कि दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो गई, तीसरा पॉइंट पे इंटरसेक्शन तो हुई इंटरनली एंड ये अंदर ही उसके घुस गया। अब इसको याद करने का तरीका क्या था, जब भी आपके पास दो सर्कल दिए हों और ये पूछो कि यार इसकी क्या पोजीशन है, कहाँ टच कर रहा है, कैसे पॉइंट है, ब्ला 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 ब्ला, इन दैट केस देखो आपने सी वन सी टू मतलब दोनों की सेंटर निकालने हैं, दोनों सर्कल की रेडियस निकालनी है,
ये तो हर एक में हो रहा होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है ग्रेटर इक्वल लेस, ग्रेटर इक्वल लेस। क्या है ट्रिक का नाम? ग्रेटर इक्वल लेस, ग्रेटर इक्वल लेस। बोलो मेरे साथ चलो। नेहा मैम हम नर्सरी के बच्चे हैं क्या? ए बोलो क्या? ग्रेटर इक्वल लेस, ग्रेटर इक्वल लेस क्या मतलब हुआ इसका? आप सुन लो, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, इक्वल इक्वल टू R1 प्लस R2, लेस देन R1 प्लस R2। अब सेम कहानी R1 माइनस R2 के साथ स्टार्ट होगी। तो ग्रेटर फॉर R1 माइनस R2, इक्वल टू R1 माइनस R2, लेस देन R1 माइनस R2। ठीक है, हंसी से लोटपोट होते हुए बच्चे एक्सरसाइज ट्रिक बोलो या ग्रेटर इक्वल लेस, ग्रेटर इक्वल लेस। बस C1 C2 को बीच में रख लेना, पहले R1 R2 को ग्रेटर कर देना, इक्वल कर देना, लेस कर देना, फिर R1 माइनस R2 के साथ यही शुरुआत करना, ग्रेटर इक्वल लेस, दैट्स इट। ठीक है, इतनी सी बात है बेटा। अब सवाल भी कर लें, डांस तो बहुत हो गया, चलो सवाल कर लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, अब बताइए मुझे इसके अंदर कैसे करेंगे। चलो इसके अंदर करेंगे तो करेंगे कैसे? ग्रेटर इक्वल लेस खेला आपने, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आओ, तो यहाँ पे आपको दो सर्कल दे रखे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। तो आपने क्या करना है, देखो पहले वाले का तो सेंटर वैसे ही आपको पता है 5 5 है ना, रेडियस भी दे रखी है, सेंटर 2 क्या है 11 एंड 5, रेडियस भी दे रखी है। रेडियस तो यानी सेंटर 1 सेंटर 2 का डिस्टेंस लूँ मैं, 11 माइनस 5 6 स्क्वायर है ना, तो खाली 6 ही रह जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू 6। ग्रेटर इक्वल, इक्वल वाला केस क्या था, दोनों आपस में टच कर रहे थे, मीट एट ओनली 1 पॉइंट, मीट एट ओनली 1 पॉइंट। बस अब ऐसा ना हो कि सेंटर में जाते हुए ग्रेटर इक्वल लेस, ग्रेटर इक्वल लेस। ठीक है, इन्विजिलेटर को बोलना जाके ग्रेटर इक्वल लेस, ग्रेटर इक्वल लेस। ठीक है, चलो बहुत हो गया, नौटंकी बहुत हो गई बेटा। मुझे ऐसा लगता है ना, YouTube पे पढ़ने आए हो ना यार, खुशी खुशी मस्त होके पढ़ो। ठीक है, मस्त होके पढ़ो, सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय वो हो गया से दूर रहो और अपने मस्त होके पढ़ो। ये देखो क्या होता है ना, एंड दिस गोज फॉर एवरीबडी, ब्रेकिंग न्यूज़ ये हो गया वो हो गया, अपनी कन्वीनियंस पे देखो। ठीक है, करने वाले करके निकल जाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। सो इट्स बेटर टू जस्ट फोकस ऑन द राइट काइंड ऑफ कॉन्टेंट, और अगर नहीं देखना तो चुपचाप जो सेल्फ स्टडी का मटीरियल है उससे काम करते रहो। ठीक है, आ जाओ, चलिए चूज द इनकरेक्ट। अब ये बहुत होता है यार, नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, नॉट सैटिस्फाइज। ठीक है, तो ये आ गया, चेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट? अब आपको सर्कल 1 सर्कल 2 दे रखा है। ठीक है, तो सर्कल 1 आप सबसे पहले जी बता दो, सर्कल 1 की सेंटर है 5 एंड 5 दोस्तों, एंड रेडियस है 25 25 41, रूट 9, तो ये आ गया। सेंटर 2, सेंटर 2 आ गया आपका 8 एंड 5। ठीक है, रेडियस 2 क्या हो जाएगा, 64 25 माइनस 80। अयो ये क्या आ गया, रूट 9, फिर से 3। अब आप इनका अगर डिस्टेंस ले लो C1 C2, व्हाट इज इट कमिंग आउट टू बी, 5 माइनस 8, तो यहाँ 9 आ जाएगा, 5 माइनस 5, अरे फिर 3। ठीक है, ये आ जाएगा, व्हाट एम आई सेइंग नाउ, यहाँ पे हो क्या रहा है आप लोग के साथ ज़रा देखो। अब मैं इसके अंदर क्या बताऊँ, सिचुएशन क्या है तुम्हारी, मैं R1 प्लस R2 करती हूँ, माइनस करूँगी तो 0 ही हो जाएगा, तो आपका 6 है। एंड C1 C2 का डिस्टेंस जो है, C1 एंड C2 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो पक्का 3 आ रहा है ना, 8 माइनस 5, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ग्रेटर इक्वल लेस की जगह क्या आएगा, ये क्या है आंसर,
डी ऑप्शन, सर्कल्स हैव टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. यार ये यहाँ पे सी वन सी टू लेस देन आर वन प्लस आर टू आ रहा है, ये सही आ रहा है क्या एक बार ही चेक करने का? यस मैम. यानी सी वन सी टू इज लेस देन आर वन प्लस आर टू, तो ग्रेटर इक्वल लेस ये यही है ना, तो फिर फर्स्ट केस होना चाहिए. टू इंटरसेक्शन पॉइंट, अच्छा टू इंटरसेक्शन पॉइंट सही है. अच्छा लाई इनसाइड, मतलब ये तो सिचुएशन ऐसी वाली है लेस देन, तो ये ऐसी वाली है ना. देखो जरा मैं वापस जा रही हूँ इस पर. हाँ अरे ग्रेटर इक्वल लेस, लेस वाली है ये वाली है, ये वाली है इंटरसेक्ट वाली है, लेस वाली है थर्ड वाली कंडीशन है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस, अरे पीछे क्यों जा रहे हैं, लाइफ में आगे जाना था. हाँ अच्छा तभी बच्चे कह रहे हैं हाँ इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स है, तो देख तो रही हूँ तो गलत क्यों बना रही हूँ ऐसे. तो ये इसका सही जवाब था इसलिए गलत है. पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर, बोथ सर्कल सेंटर लाए इनसाइड ईच अदर, ये बिल्कुल गलत है इसलिए यही सही जवाब है. डी सही है इसलिए डी मत मार्क करके आना भाई साहब, ये बहुत गड़बड़ होती है, सो प्लीज मत करना. सर्कल्स इंटरसेप्टेड बाय अ लाइन, इस तरह का सवाल आपका काफी बार पूछा जा रहा है. समझ लो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आए जहां पे बोला कि सर्कल इंटरसेप्ट बना रहा है, टू सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ईच ऑफ देम कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ टू यूनिट्स विद द लाइन, सर्कल पासिस थ्रू सम पॉइंट एंड इट्स सेंटर दिस, दिस इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय दिस, सर्कल टचेस दिस मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ एट, सर्कल टचेस द वाई एक्सिस एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ दिस. हर ऐसी सिचुएशन में वेन एवर अ सर्कल मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन द लाइन ऑलवेज ड्रॉ दिस फिगर. हमेशा हमेशा आपकी सिचुएशन ऐसी आ रही होगी, कहीं से सर्कल टच कर रहा होगा हो सकता है या इंटरसेप्ट बना रहा होगा. सो इन दिस पर्टिकुलर केस आप हमेशा इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे. देखो ये पूरा का पूरा जो इंटरसेप्ट है वो एल होगा, तो वो इसको डिवाइड कर देगा एल बाय टू में. पाइथागोरस के जरिए आप इन सवालों को बहुत जल्दी क्रैक कर लोगे, बहुत जल्दी क्रैक कर लोगे. ठीक है तो आ जाओ इस सवाल पर आते हैं, ज़रा देखते हैं कैसे करोगे इसे. इसके बाद एक 10 मिनट की ब्रेक चाहिए. इसके बाद एक 10 मिनट की ब्रेक चाहिए तो बोलो. चलो चलो अभी इसको करो. A circle touches the x-axis at 3-0, making an intercept of 8 on the y-axis. तो ये इस प्रकार का कोई सर्कल है, ठीक है, ये y-axis पे इंटरसेप्ट बना रहा है and it is touching the x-axis at the point 3-0. ठीक है अच्छा लेंथ 8 का बना रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ तो ये दोनों के दोनों 4 हो जाएंगे. एंड मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये इसको टच कर रहा है, यानी ये 3 कॉमा कुछ अल्फा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, पासिस थ्रू विच पॉइंट, यानी इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको निकालनी है, जो क्या हो जाएगी. देखो ये जो है ये अल्फा ही है, अल्फा ही रेडियस है, यानी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बराबर, सॉरी y माइनस 4 क्यों बोल रहे हो, y माइनस अल्फा. ऐसे बनाओगे, अब अल्फा फाइंड करना है तो कर नहीं सकते, तो कर नहीं सकते. अगर आप इसको ये इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ऊपर से करो या नीचे से करो आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए. ये देखो तो यार ये आपका डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस आपका 4 है, ये ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा, अल्फा 5 हो गया, यानी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. एंड ऑल यू आर गोइंग टू डू नाउ इज देख लो कौन सा वाला सेटिस्फाई कर रहा है. सी इज द आंसर, बिल्कुल सही, 0 आएगा तो बिल्कुल. आए हाय क्या बात, सी आंसर गलत है. मैं भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही, कैलकुलेट तो किया नहीं. ठीक है तो कौन सा आंसर सही है, 310 एकदम सही है. आ जाओ अगला सवाल.
चलो आ जाओ अगला सवाल। हाँ जी कैसे करोगे भाई साहब? ट्रिक तो अभी बाकी है। कंसिडर अ सर्कल विच टचेज द वाई एक्सिस एट 0-6। ठीक है, ये इसको टच कर रहा है 0-6 पे एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6√5 ऑन द एक्स एक्सिस। 6√5 का इंटरसेप्ट बना रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात है आपने वही चीज करनी है, वही चाल चलनी है दोस्तों। 3√5 हो गया है, ठीक है। 0-6 पे अगर कट कर रहा है तो ऑब्वियस ही है ना यार, यहाँ से क्या डिस्टेंस हो जाएगा ये मतलब आपका सेम आएगा, ये आपका अल्फा कॉमा 6 हो रहा है इसका मतलब, करेक्ट। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा सर्कल का, इक्वेशन क्या आ जाएगा? आपको रेडियस एक्चुअली निकालना है, सो निकाल लो ना यार, ये लो ऐसे निकालोगे ना। अच्छा लेकिन इधर से है, इस तरफ से निकालना, ठीक है। ये बात ऐसे ज्वाइन किया, ये 3√5 है, ये डिस्टेंस 6 है, ये ही डिस्टेंस आपका जो भी आ रहा है। ये क्या करोगे, इसको आर बोलोगे, तो क्या बोलोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6² + 3√5² 36 + 9 = 45। बताओ कितना सस्ता सवाल बन गया ये, यस और नो? कितना सस्ता सवाल बन गया ये, यस और नो है ना? चलिए अब अगली ट्रिक से पहले मतलब अब आपकी कितनी ट्रिक्स हो चुकी हैं? अब मैं आपको आई थिंक 3 तो ये बची हैं और एक मेरे दिमाग में और है, बोनस होगी, वो 4 ट्रिक्स और हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं लेकिन वापस आओगे है ना, तो एक 10 मिनट का वेरी छोटा ब्रेक, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू प्ले अगेन। सेशन कैसा लग रहा है मेरे को यार कॉमेंट सेक्शन में बताते जाओ, एंड तब तक के लिए क्या ही करोगे आप लोग? देखो एक तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया तो, एंड पिंड लिंक को फटाफट से चेक कराओ, ठीक है। वील टेक अ वेरी वेरी शॉर्ट मिनी ब्रेक, लेकिन अगर आप इस लड़ाई में घुसे हैं तो आपको वापस आना होगा, ठीक है। चलिए जी, ओके, सी यू इन 10 मिनट्स।
All right, बच्चों आगे बैक, चलो वी आर बैक लिख देते हैं, डन। चलिए आइए, चलो जी कोनिक सेक्शंस की ट्रिक करते हैं। हेलो हाय, चलो अब काम कर ले, बहुत हेलो हाय हो गया तुम्हारा। चलो अब कोनिक सेक्शंस की ट्रिक कर ले। ओके डन। इसेंट्रिसिटी आपकी कैसे आपने फाइंड आउट करनी है, ये किसी भी कोने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, राइट। नाउ एक मिनट यार, आई विल नॉट से कि ये चीज़ हर सवाल में आपके आएगी, लेकिन ये एक सवाल का किसी भी एक पार्ट हो सकता है छोटा सा। तो मैंने कोनिक सेक्शंस पे एक वीडियो करी थी, द चॉकलेट चैलेंज, जिसमें मैंने कहा था यार एक मैं आपको छोटा सा टुकड़ा चॉकलेट का दे दूँ और आपको एक सवाल दे दूँ, तो वो चॉकलेट का टुकड़ा खत्म होने से पहले आप इसेंट्रिसिटी निकाल दोगे, ठीक है। ऑलराइट, सो फाइंड द इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर द फॉलोइंग एलिप्स। इसके अंदर एक्चुअली इसका सारा खेल सिर्फ इसके फर्स्ट पार्ट पे ही होता है, यानी सिर्फ इस पे बेस्ड होता है। तो इसेंट्रिसिटी हमने निकालनी कैसे है, इट हैज़ टू बी, देखो इलिप्स की बात अगर कर दी है, ई वन माइनस जो भी छोटा है अपॉन जो भी बड़ा है उसका रूट, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, यस और नो? That's it, इसेंट्रिसिटी आ गई खत्म, इसेंट्रिसिटी आ गई खत्म। एंड आपको ये मतलब जो भी आ जाएगा रूट 7/4, ठीक है। एंड आपको ये भी पता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में आप 2b² / a लिखो या 2a² / b लिखो, आप लिखते हो 2 जो भी छोटा स्क्वायर अपॉन बड़ा। तो छोटा स्क्वायर क्या है, छोटू, छोटू ये है, बड़ा क्या है 16, लेकिन उसका आप सिर्फ नॉर्मल नंबर ले रहे हो, स्क्वायर नहीं कर रहे हो उसको, दैट्स इट 9/2, दैट्स इट, कहानी खत्म। तेरा लेटेस्ट रेक्टम का हजम कर लिया आपने सवाल, ठीक है। अच्छा अब आप बोलो यहां पर अगर जैसे मैं ये देख लूं, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4-3 एंड द पॉइंट्स ऑन दिस इलिप्स, ठीक है, इज एन एलिप्स विद इसेंट्रिसिटी। अब देखो मैं उसमें नहीं जा रही कि आप कैसे लोकस को अज्यूम करके एंड बेसिकली कैसे आप अपनी इक्वेशन क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है, उस सब के अंदर मैं नहीं पढ़ रही। लेकिन अगर आपकी इक्वेशन डायरेक्ट डायरेक्ट दे रखी हो तो उसमें से कई बार ऐसा होता है, एंड ये सवाल आएगा क्योंकि अब आपकी कोनिक्स के पेपर में इतनी रिडक्शन, कोनिक्स के सिलेबस में इतनी रिडक्शन हो गई है कि वो यही इलिप्स वगैरह जैसी चीज़ ही पूछेंगे, करेक्ट। तो कोई भी आपको सवाल ऐसा दिया हो, मान लो मैं आपको कोई अपनी तरफ से भी दे दूँ, एक मिनट रुको यार, मुझे इसको दोबारा से तो नहीं करना पड़ेगा लोड, एक मिनट हाँ मुझे देना, मैं ये एक सेकेंड, कोनिक्स का कोई और सवाल, तो मतलब एक बहुत ही छोटा सा हैक है, अगर आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और वो निकालना हो तो आप बहुत आराम से इसको ये चीज़ कर सकते हो। जस्ट लुकिंग फॉर द क्वेश्चन, ठीक है चलो कोई नहीं, अपने 2.0 से मैं और आप जाके देख सकते हो सेशन से ऐसे सवाल। ओके उल्टा इंटीग्रेशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पहले तो ट्रिक काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी, ठीक है, लेटली अगर मैं बोलूँ पिछले 2-3 साल में थोड़ी कम हो गई है इसकी अप्रोच, बट स्टिल वी शुड नो इट, ठीक है। तो 3 साल पहले से है उल्टा अप्रोच, मतलब उल्टी इंटीग्रेशन। उल्टी इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफ्रेंसिएशन, राइट। तो इस प्रकार के अगर सवाल है मेरे पास, लेट्स से ये दे रखा है, एंड आई बीन आस्क्ड टू सॉल्व दिस इन द अर्लीस्ट फैशन, एक मिनट, हाँ जी, तो इसको कैसे करने का, एफ ऑफ 3x - 4/3x + 4, एंड ये सब दे रखा है मुझे, क्या कि द फंक्शन, यानी कि मैं इसको आराम से मैं उसको एक लाइन में लिखती हूँ, एक्चुअली ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अरे लिखा ही नहीं है यार, एक मिनट,
ये चीज़ मुझे अगर दे रखी है, ठीक है, वेर x इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, ये चीज़ दी हुई है। बाकी आपका सवाल क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ए लॉग मॉड वन माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, दिस इज माई पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये तो जो दे रखा है इसे बाद में यूज़ करेंगे। उल्टा इंटीग्रेशन की ट्रिक क्या कहती है, आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जब एक साथ आएंगे तो आप क्या करोगे, आपको सीधा एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, दिस विल बी ए अपॉन वन माइनस एक्स, माइनस साइन आ जाएगा, प्लस बी, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, अब आपने बेसिकली कंपेरिजन मारना है एफ ऑफ एक्स, अगर मेरा एफ ऑफ थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू दे रखा है तो एफ ऑफ एक्स आप कैसे पता लगाओगे, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो हमें कि एफ ऑफ इसका मतलब 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4, इसकी जगह यानी मैं ये चीज लगाऊं माइनस ए अपॉन 1 माइनस 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है, प्लस बी। अब ये पूरी चीज दे रखी है x प्लस 2 के बराबर, तो मैं ये कह दूंगी कि x प्लस 2 इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ए टाइम्स 3x प्लस 4, ये आ जाएगा 3x प्लस 4 माइनस 3x, तो 4 एंड 4 8 प्लस बी। अब आप कंपैरिजन करके ए एंड बी तो बिंदास निकाल लोगे, कैसे, अगर आपने कोफिशियंट ऑफ x को कंपेयर किया तो दिस विल बी 1 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 8 ए, तो a आ गया है आपका माइनस 8 बाय 3, किसके पास है, इसके पास है और इसके पास है, और b आ गया सीधा सीधा 2, बी आ गया सीधा सीधा 2, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई दोस्तों, बी आपका 2 कैसे आ सकता है, अब ब ब ब ब कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया हमसे, एलसीएम तो नहीं लिया था मैंने, इस तरफ भी नहीं यूज़ किया, आई थिंक बी डायरेक्टली 2 आ रहा है, 2 बाय 3 आना चाहिए ना, अरे कांस्टेंट टर्म कर रहे हो ना, तो कांस्टेंट टर्म तो इसके पास भी है, सॉरी माय बैड, कांस्टेंट टर्म तो इसके पास भी है, तो इसको आप इसके साथ ओपन करोगे, दिस इज माइनस 4 बाय 8, तो ये आ जाएगा माइनस ए बाय 2 प्लस बी, तो सही है, ए की जगह माइनस 8 बाय 3 डालो एंड बी फिर आपका जो भी आ जाएगा आई थिंक 2 बाय 3 आ जाएगा, दैट्स इट। कितने बच्चों को ये आंसर मिल चुका है, यानी इसे कहते हैं विदाउट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना, हाँ माइनस 4 ए बाय 8 भी आएगा जो मैंने मिस कर दिया था, ऑफकोर्स कर दिया है, ठीक है जी, चले आगे। चलो अगले सवाल को कैसे पकड़ने वाले हैं, ओके अगले सवाल को कैसे पकड़ने वाले हैं, ये लो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए एंड बी को निकालना है, सेम ही चीज हो रही है आपके साथ, यू विल डिफ्रेंशिएट, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू दिस विल बी a इंटू क्या आ जाएगा माइनस 6 माइनस 2x अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू दिस विल बी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस x स्क्वायर है ना, एंड इसको ऑब्वियसली आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको 1 बाय 4 मिल जाएगा, प्लस सी तो कैंसिल ही हो जाने वाला है। नाउ अब आप ये करके देख लो, आप जब भी इसका एलसीएम लोगे ना सेम आ जाएगा, क्योंकि तीनों के फिर एलसीएम बड़े आराम से कट जाते हैं, सो दैट्स द होल स्पिरिट। यहाँ से आप काटोगे माइनस ए, दिस इज 3 प्लस एक्स रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इसको देखो ये ऊपर जाएगा तो 16b, एंड आप इसको ओपन करके देख सकते हो यही वाली आपकी चीज आ जाएगी, राइट, एंड अब आप कंपैरिजन मारोगे तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस ax, एंड यहां से आपको मिल रहा है प्लस 4b, सो नाउ मारो कंपैरिजन, आंसर दो। अगर आप x के कोफिशिएंट्स को करोगे तो 2 इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो ए आपका 2 आ रहा है, यानी बॉस आपका बी या डी में से आंसर हो जाने वाला है।
ये, अरे यार हम माइनस था, सॉरी माय बैड, उल्टा हो गया। देखो एक नेगेटिव एंड सावधानी हटी और दुर्घटना घटी ही घटी, ठीक है। ए आपका माइनस टू आ रहा है, सो इट हैज़ टू बी दिस और दिस, ये दोनों आउट है। एंड बी के लिए देखो ये फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री ए प्लस फोर बी, तो वो आप निकाल के देख लेना, ठीक है। फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री ए प्लस फोर बी, तो ए की जगह आप माइनस टू डाल देना एंड वॉट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी माइनस वन, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं ये मेथड लेंदी है, आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो, आप इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करके, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि आप इसको ए इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस जो इस प्रकार से प्लस बी लिखोगे, फिर ए एंड बी फाइंड आउट करोगे, फिर इसको तोड़ोगे, एक जगह सब्सटीट्यूशन होगा, एक तरफ स्पेशल इंटीग्रल लगेगा। अगर तुमको लगता है कि सीधा सीधा मेथड ज़्यादा आसान है, कर लो योर चॉइस। मेरे हिसाब से तो ये मेथड बहुत क्विक है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्विक है, ठीक है। चलिए सब्सटीट्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगेन वन सच मेथड जो अब, मतलब पिछले दो साल से हमने इस पर बहुत सवाल नहीं देखे, लेकिन स्टिल यू कैन डेफिनेटली यूज इट हियर एंड देयर, और ये कहीं ना कहीं किसी का बीच में पार्ट बन के आ सकता है। तो दिस इज प्रेजेंटिंग टू यू आई थिंक ट्रिक नंबर 22, यस और नो, ट्रिक नंबर 22। तो कैसे करोगे इसको, आ जाओ बता दो मुझे भी, कैसे करने वाले हैं इस सवाल को। वो कह रहा है ऑल द पॉइंट्स इन द सेट, ठीक है, इज लाई ऑन दिस 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 दिस, मतलब जो जो भी आपको चीजें दे रखी हैं। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ऑल द पॉइंट्स इन दिस सेट क्या डिपिक्ट कर रहा है, अल्फा जहां पे आपका एक रियल नंबर है वो सही है। अगर मुझे कुछ भी नहीं दे रखा, अल्फा इज एनी रियल नंबर, तो क्यों ना मैं अल्फा को वन पुट कर दूं, यानी कोई भी सब्सटीट्यूशन कर दूं। अच्छा उससे क्या हो जाएगा, मेरा ये जो नंबर है वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा हो जाएगा। देखो अब तक आपको रट जाना चाहिए कि ये रैशनलाइज करके सिर्फ आयोटा बच जाता है, ठीक है, ये रैशनलाइज करके सिर्फ आयोटा बच जाता है। सो व्हाट डज दैट टेल अस, उसने कहा यार अगर आयोटा ये चीज़ बच गई है, लाए ऑन कहाँ, स्ट्रेट लाइन हु स्लोप इज वन, आयोटा तो आपका सिंपल सिंपल ऐसा हो गया ना, स्ट्रेट लाइन हु स्लोप इज माइनस वन, कहाँ पे बोलूंगी आयोटा लाई करेगा मेरा। ए ऑप्शन कई बच्चे कह रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रहे हो, मैंने तो यहां सीधा सीधा इसको निकाल दिया है, ये हमने ये वाला करा था ना, एक सेकेंड, हाँ सब्सटीट्यूशन वाला ये ना, राइट। तो अगर आपका z इक्वल टू आयोटा आ गया है, इसका मंद मतलब कहाँ पे ये एग्जैक्टली लाई कर रहा है, z इक्वल टू आयोटा, यानी z की जगह अगर मैं डालूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, अगर मैं z को x प्लस आयोटा y डाल देती हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी कि एक सर्कल होने वाला है विद रेडियस वन, कहानी खत्म, ठीक है, कहानी खत्म, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। सेम वे इसी प्रकार से जैसे अगर आपको ये सवाल दिख जाए, सेट ऑफ अल्फा बिलोंगिंग टू R, ठीक है, आपको W ये दिया जा चुका है, इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर फॉर ऑल Z बिलोंगिंग टू Z सच दैट मॉड Z इज वन। अब मॉड Z जब वन आता है ना, Z आप प्लस वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा डाल सकते हो, बट आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि रियल Z इज नॉट इक्वल टू वन, यानी आपका Z वन वन नहीं हो सकता, ठीक है, आप Z को आयोटा ले लो इफ इट वर्क्स बेटर फॉर यू, है ना, आप Z को आयोटा ले लो इफ दिस वर्क्स बेटर फॉर यू। तो आप W को क्या करोगे, कैसे लिखोगे, वन प्लस वन माइनस एट अल्फा, दिस इज आयोटा एंड दिस इज वन माइनस आयोटा, ठीक है जी। अब अगर आपको मॉड ऑफ Z वन दे रखा है, ठीक है, दैट इज फाइन, प्योरली इमेजिनरी नंबर, सेट ऑफ ऑल दिस दिस वेयर इट इज प्योरली इमेजिनरी। अब आप इस सवाल को आगे लेके जा सकते हो थोड़ा जल्दी, तो ये चीज दी हुई है, तो आप ऑब्वियसली रैशनलाइज तो अभी भी देखो करना ही पड़ेगा, पर नीचे आपको पता है टू आ जाने वाला है, एंड सिंस दिस नंबर इज गोइंग टू बी प्योरली इमेजिनरी, यहां से रियल पार्ट को उठाकर आप जीरो कर सकते हो, राइट, एंड आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहां वन वन प्लस आयोटा, तो यहां से वन तो आ ही रहा है, उसके बाद अगर मैं इन दोनों को आपस में करूं, प्लस वन माइनस एट अल्फा इक्वल टू जीरो,
तो यहाँ पे मेरे को अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है? 8 अल्फा इज 2, अल्फा टर्न्स आउट टू बी माइनस 1 बाय 4 द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स. तो यहाँ पे ये वाला सवाल मेरे को माइनस 1 बाय 4 मिल रहा है. यस और नो? बी का ही ऑप्शन कह रहे हैं. बी कैसे आ रहा है ऑप्शन आपका? अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू बी आ रही है क्या? एक बाई देख लें क्या, 8 अल्फा इंटू जेड की जगह, एक्चुअली मैं जेड की जगह माइनस 1 डाल दूँ तो और इजी नहीं हो जाएगा? अगर मैं जेड की जगह माइनस 1 डाल दूँ तो फिर वो वैसे ही प्योरली इमेजिनरी नंबर चाहिए ना आपको, तो रियल पार्ट 0 बात नहीं बनेगी. ओके, 1 प्लस इंटू 1 प्लस आयोटा यहाँ करूँ तो मैं दिस इज़ 1, दिस इज़ आयोटा, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक माइनस साइन आ रहा होगा मेरे पास. हाँ, उसी ने सारा झोल किया है, माइनस साइन आएगा एक मेरे पास. एग्जैक्टली, तो अल्फा यहाँ से 0 हो गया. वही मुझे लगा कि ट्रिक कैसे फेल हो गई यार, ट्रिक कैसे फेल हो गई. इट इज़ फाइन, वो एक प्लस माइनस का झोल हो गया था. डन. तो क्या मैंने क्या किया, अगर मैं कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ प्लस आयोटा या माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दूँ तब भी चीज़ें आसान थोड़ी हो जाती हैं. डन. ओके, अब यहाँ पे लेट मी गो अहेड एंड टेल यू फ्यू क्वेश्चन जो भैया, ये तो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लगाए हुए हैं. वन मोर थिंग, एक आपकी जो मैं कह रही थी आपको बोनस बताऊंगी. आप tinyurl.com/jeevitneha मैम की प्लेलिस्ट को जानते हो, यहाँ पे जो आपके 2.0 के सेशन है, ठीक है, 2.0 के सेशन में आप डेफिनेटली जाके आई विल हाईली रिकमेंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखना. एक बहुत ही तोड़ू ट्रिक है, एक और कहाँ गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आइडियली तो देखो जब आपको सेशन को देखना होता है तो पूरा देखो, राइट, पूरा देखो ताकि अगर आपको बेसिक्स आती लग रही हैं, अगर 4 घंटे का सेशन है तो 1.5 घंटे बाद से देखना स्टार्ट कर दो क्योंकि शुरुआत में थोड़ी बेसिक हो रही होगी, अदरवाइज टाइम स्टैम्प्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं तो इट इज़ लाइक अ बुक मार्क फॉर यू गाइज, ठीक है. तो यहाँ पे जाके ना एक लोकस इन कॉम्प्लेक्स नंबर शॉर्टकट, लोकस इन कॉम्प्लेक्स नंबर शॉर्टकट ये वाला, इस पे भी वीडियो बनी हुई है, दिखाई हुई है. तो मैंने कहा था ना अंत में आपको एक बोनस शॉर्टकट बताऊंगी, यहाँ पे देख लो. इसके अंदर डायरेक्ट कैसे पहचानते हो आप कि किस प्रकार का लोकस है उस पे बेस्ड यहाँ पे सवाल भी करा रखे हैं, एंड ये देख लो, ठीक है. तो काफ़ी आपको सवाल मिल जाएंगे बढ़िया वाले, तो आप जाके यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर याद रखना द शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है. सो यानी कि एज प्रोमिस्ड मैंने आपके साथ सारे के सारे, सर कितने पीवाई क्या 22 ऑल द 22 शॉर्टकट्स प्लस मैंने इन लोग को एक बोनस बता दिया. अरे सर ये देखो ऑल डन ऑल दीज 22 ट्रिक्स एंड हैक्स जो आपको आज तक कहीं नहीं मिले थे बट नाउ यू विल गेट एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. प्लस एक और मैंने आपको बता दिया, रेकमेंड कर दिया है, जाके देखो. इस सेशन को बनाने में जैसे मैंने कहा हर मेरे सेशन की तरह बहुत सारे दिनों के कई सारे घंटे जाते हैं. इनफैक्ट आप लोग को याद होगा नारायण मूर्ति जी ने जब एक स्टेटमेंट दिया था कि क्या यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए सर क्या था, 70 घंटे पर वीक, 70 घंटे पर वीक मतलब वर्क वीक होना चाहिए. तो मुझे लगा यार वो तो हम 4 दिन में ही निपटा देते हैं, मतलब समझ रहे हो कि लिटरली 16-16, 17-17, 18-18 घंटे भी काम होता है तुम लोग के लिए. एंड इट इज ऑल सो दैट यू गाइज कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट, राइट. एंड बिल्कुल मैं आपको यही कह रही हूँ कि इस अंत के समय पर फोकस रह के पढ़ना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एवरीबडी आप लोग के लिए. कंप्लीट करना चाहता है कोई चैप्टर तो क्या पूरा वाकई में, मतलब केवल कहने के लिए नहीं है कि मतलब आई सीरियसली वांट टू नो, जैसे आप इतने बड़े-बड़े क्लेम्स करते हो, क्लेम्स करती हूं सच में, नहीं मैं मतलब ऑनेस्टली मैं तो नहीं जानता सब्जेक्ट को बट मैं आप ही से पूछता हूं और आपसे बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन पूछता हूं जी. क्योंकि क्या होता है कि बातें बहुत घुमा घुमा के की जाती हैं यूट्यूब सर. देखिए अब एक ना बहुत सीधी बात पूछता हूं, क्या मैं अगर ये चैप्टर कर लूं तो क्या मेरी जेईई मेंस की तैयारी कल को ऐसा कोई कांसेप्ट आ जाए जो मुझे पता ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, हाँ, या तो, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है? तो आई गेस जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे उनको भी ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप 2.0 का कोई भी सेशन देखते हो
दे हैव नॉट बीन डन फॉर द हेक ऑफ डूइंग इट. ठीक है, यहाँ पर मैंने ये नहीं किया है कि आपको यार कि थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता दी, एक यू नो फीलिंग दे दी और फिर बोल दिया कि यहाँ पे आके पढ़ लेना, वहाँ पे आके पढ़ लेना. दे आर एब्सोल्यूटली कंप्लीट फ्रॉम हेड टू टो. आपकी जेई मीन्स की 100% तैयारी इनसे हो सकती है. एक भी कॉन्सेप्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको लगेगा कि यार इस चैप्टर में से मिसिंग है. एंड तभी 100 मिनट्स हम बोलते थे, लेकिन लिटरली मैंने 4-4 घंटे के सेशन लिए हैं, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझाया है आपको. सो यस, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीटनेस मिलेगी. आप जब अप्रैल के भी अटेम्प्ट के लिए या जिस भी अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे होगे ना, इनफैक्ट अगर अगले सेशन के लिए भी 2025 के लिए भी बच्चा पढ़ रहा है, यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दीज. कंप्लीट है, इनके नीचे टाइम स्टैम्प्स है. अगर आपको चीज़ें समझ आती जा रही है, अब जल्दी निकल जाइए, अब 2x में पढ़ते जाइए, दैट इज़ अप टू यू. PDF एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दी हुई है. DPPs मैंने इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दी थी. आपको कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि यार इधर अब इतना मैंने पढ़ा दिया, बाकी कहीं और जाके पढ़ लेना. कुछ राइट फोटोज मिली थी आज मुझे आपके PC पे, अगर आप एक बार शेयर करेंगे बच्चों से. कौन सी फोटोज सर? आप तो ऐसे बोल रहे हो, फोटोज मिली थी फोल्डर वगैरह. अच्छा, ये वाला सर, आप बड़ा ध्यान रखते हो फोल्डर्स का, है? अच्छा, ये वाली. ओके, तो आई गेस वॉल्यूम ऊंचा करना पड़ेगा. वही कर रही हूँ सर, वही कर रही हूँ. 100% हेलो. तो ये आपको आई थिंक एक ग्लिम्स दिख रही होगी, NIT नागपुर का हॉल है एंड वेर आई विजिटेड, एंड ऑफ कोर्स उनका इवेंट था जहाँ पर हमने देखा था. यहाँ पे ये NIT भोपाल की क्लिप है. सो हेलो NIT भोपाल. राइट, सो मतलब लिटरली जब हम लोग जाते हैं ना, इस तरह का प्यार मिलता है. यू नो, मैं आपको एक बहुत ही एक चीज़ बताती हूँ. एक सेकेंड ना. ओके, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हो एक्चुअली, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रिएटर्स जब पूछते हैं ना कि यार आप पिछले मतलब इतने सालों से YouTube पे पढ़े हो, पढ़ाई जा रहे हो, अब तक तो आपको यार क्या क्या कोर्स बना लेना चाहिए था, ये बना लेना चाहिए था. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ, मैं ये सब बातों का ना बहुत ज़्यादा शोशा नहीं करती, आई ट्राई टू जस्ट हसल एंड वर्क, बट लिटरली चैनल्स को बंद करने की बहुत कोशिशें होती हैं, चैनल्स को खरीद डालने की बहुत सारी कोशिशें होती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही दम पर खड़ा हुआ है कि बच्चों को, कोई भी बच्चा स्ट्रक्चर्ड वे में अगर पढ़ना चाहता है तो उसको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और क्या कमाया है ये बच्चों का प्यार कमाया है. आप एंटर करते हो और इतना प्यार दिखता है आपको, ये जेन्युइन बच्चे दिखते हैं. एंड कितने सारे तो ऐसे हैं कि आप कैप्चर नहीं कर पाते, आप इधर उधर घूम रहे होते हो या आप जाते हो कई बार यू नो IIITs IITs में बच्चों से मिलते हो, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ लव एंड जेस्चर दैट दे गिव यू. सो आई गेस जब कोई कहता है ना कि क्या कमाया है, This is what we learned. इसलिए मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करती हूँ. बहुत सारे बच्चे आज भी जब मुझसे जुड़ते हैं वो क्या कहते हैं, हम एक वीडियो सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे, आपकी वीडियो आई रिकमेंडेड में, हमने देख ली. हाँ, बहुत लेट मिला आपका चैनल, या फिर बहुत लेट मिला आपका चैनल. तो आई गेस बहुत सारे यू गाइज जो कि नहीं चाहती. एब्सोल्युटली, आप यू गाइज आर द ओनली सोर्स जो अपने जूनियर्स को जाके बता सकता है कि हाँ यार मुझे इस चैनल से फ़ायदा हुआ. इस चैनल के ऊपर 12th बोर्ड का पूरा सामान पड़ा है, पूरा हर एक सेशन मैंने मतलब लिटरली आपकी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज लगा रखा है. ये 12th बोर्ड की प्लेलिस्ट है, यहाँ आप जाओ. इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है ना NCERT बदल गई है, ये बदली हुई NCERT का ही कोर्स है. आप देखोगे ये सारे पिछले 10 साल के PYQs मैंने इसके अंदर रिवाइज करा रखे हैं चैप्टर वाइज. यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ YouTube पे कितने मौसम आए कितने गए. यहाँ पर चैनल खुलते ही हैं तुमको अगले 1 या 2 महीने के अंदर कोर्स बेच देने के लिए. मैं आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, राइट? लेकिन द थिंग इज, कोई इज नथिंग रॉन्ग आई वुड से, बट द वाइब ऑफ दिस चैनल इज वेरी डिफरेंट.
राइट। एंड ये एक एक यहाँ पे तुमको दो टीचर, तीन टीचर, दस टीचर नहीं दिखती एक साथ, एक टीचर जो तुम्हारे साथ खड़ी है, मेहनत लगती है यार, जान लगती है, क्योंकि मैम वो कमिटमेंट चाहिए ना, वो कमिटमेंट, वो आग चाहिए आपको, चाहे मेहनत करने के लिए खड़े रहने के लिए, मतलब विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी पे ऑफ। एंड मैं आपको ये बात सच है कि मतलब कोई यहाँ पे ऑफ नहीं मिल रहा, इसी को मैं कंटेंट में डाल दू ना पैकेज करके, कम से कम मैं अगर यहाँ पे 500 का भी कोर्स निकालू ना, आपको क्या लगता है बच्चे नहीं खरीदेंगे? यस और नो? दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द रियालिटी। एडवांस के तुम कहते हो ना, जेई एडवांस के यहाँ पे सेशंस ऑलरेडी बन रखे हैं, ये देखो जेई एडवांस के वन शॉट्स है, जहां से आप एडवांस ओरिएंटेड अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। ये मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि ना यूट्यूब काफी हद तक, क्योंकि मैं इतने टाइम से देख रही हूँ, एक तमाशा बॉक्स बन गया है, आपको लिटरली बता रही हूँ, जहाँ पे एक फोकस्ड वे में पढ़ना ना, कई बार बच्चे फील करते हैं अरे मैम हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपको वे ढूंढना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हर एक वीडियो से, मतलब इन द सेंस लिटरली जब मैं कह रही हूँ ना, लोग कोशिश करते हैं कि यूट्यूब का एल्गो ऐसा चलता है जितनी आपकी वीडियो देखेगी और ज़्यादा चलेगा, है ना। इसको इनऑर्गेनिकली ग्रो करना बहुत आसान है, पैसा फेंक तमाशा देख, राइट। या फिर अब आई वुड नॉट गेट अ लॉट इन टू इट कि किस किस तरह से बच्चे भी इकट्ठे किए जाते हैं, बट यहाँ पर अगर 100 बच्चे भी किसी वीडियो को देख रहे हैं ना, वो हर एक बच्चा खुद से आया है, दे हैव दैट वाई इन इट। एंड हजारों हजारों लाखों लाखों व्यूज, आप देखोगे सेशंस के व्यूज लिटरली मिलियन मिलियन क्रॉस करे हुए हैं। दैट इज द वाइब ऑफ द चैनल एंड दैट इज द ट्राइब दैट वी हैव ओवर हियर, राइट एवरीबडी। लेकिन वही होता है जैसे इस वक्त भी मैंने आपको बताया, ये फेंकने के लिए नहीं कह रही, आई कैन जेन्युइनली शो यू द मेल्स, NITs, IITs, IIITs के मेल, इस वक्त 3 NITs के आई थिंक इनबॉक्स में मेल्स पड़े हैं। एक को तो मैंने लिटरली ना बोला है क्योंकि उनका फेस्ट अभी लिटरली इन्हीं दिनों में था। सो यू नो एट टाइम्स यू डोंट गेट द टाइम, यू वॉन्ट टू मीट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन होता ये है यार कि फिर आपको लगता है आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि जिन बच्चों का एग्जाम आ रहा है यार उस वक्त उनको ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो या कमेंट करते हो, मुझे उसका पैसा नहीं मिलता। सिर्फ ये होता है कि YouTube की एल्गो में वो वीडियो डेफिनेटली ज़्यादा दिखने लगती है, तो ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक पहुँचती है। आपको इस चैनल पे एड्स चलते हुए ज़रूर दिखते होंगे, हाँ रेवेन्यू आता है एडवर्टीजमेंट से, अच्छा खासा आता है, लेकिन इतना नहीं आता कि मैं इस चैनल को उसके बूते पे चला सकूं। उससे 4 या 5 गुना मैं खुद से लगाती हूँ, और सिर्फ किस पे लगाती हूँ, कंटेंट बनाने में। कंटेंट इज द किंग फॉर दिस चैनल, और कोई मतलब नहीं है, नो मार्केटिंग्स, नो प्रमोशंस, नो स्पॉन्सरशिप्स ऑन दिस चैनल टिल डेट। स्पॉन्सरशिप समझते हो ना, नॉट इवन अ सिंगल स्पॉन्सरशिप, समझते हो ना। जब आपका चैनल थोड़ा सा भी पॉपुलर होने लगता है ना, आपका इनबॉक्स भर जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो, आप इस किताब को प्रमोट कर दो, आप इस ऐप को प्रमोट कर दो, एंड मोटा पैसा मिलता है। एंड जैसे मैंने कहा, मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पैसा सबको ज़रूरत होती है, बट समवेयर देन आई फील कि यार अगर कुछ अच्छा है मैं बता दूंगी ना, आप मुझे वैसे ही बुक भेज दीजिए, मैं बता दूंगी मुझे बढ़िया लगेगा, मैं सवाल डाल दूंगी मुझे बढ़िया लगेगा। सो यू नो वॉकिंग ऑन दैट पाथ इज वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। लेकिन इसको चलाता क्या है, तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कमेंट कर दिया करो। कई बच्चे बोलते हैं मैम क्या हर वक्त लाइक बोलते हो, क्या कमेंट करते हो, सिर्फ इसलिए राइट कि मुझे भी एक मोटिवेशन, एक मोमेंटम चाहिए इसी तरह आपके लिए काम करने के लिए। एंड कई बार ऐसा होता है आप लोग कमेंट्स में लिखते जा रहे होते हो कि जैसे आपने बोला टॉप 200 PYQs हमें 23 के दे दो, ये मैंने, ये तुम लोग कहते हो टॉप 109 PYQs हमने 22 के निकाले, ये सब, ये व्हाई डिड वी टेक दिस आउट, यू गाइस वांटेड। एंड आपको लगता है हमने कमेंट कर दिया, नेहा मैम कुछ कर ही नहीं रही है, नेहा मैम एक्चुअली साइलेंटली अपनी टीम के साथ उसके ऊपर वर्क कर रही होती है, क्योंकि जब तक चीज़ बढ़िया नहीं बनेगी वो आपके सामने नहीं आएगी, राइट। एंड वी देन स्लॉग ओवर इट, एंड आपको पूरे जगह पे, ठीक है आपको बहुत जगह PYQ मिले होंगे, सॉल्यूशन मिले होंगे, बट इस तरीके से स्टिच कराए हमने इसे कि आप खुद से प्रैक्टिस करो। इसके नीचे आंसर की है, एंड किसी भी सॉल्यूशन में अटकते हो, किसी भी सवाल में अटक जाते हो, आपने सिर्फ क्लिक करना होता है उसके ऊपर। एंड कुछ बच्चे कह रहे थे क्लिक करके नहीं आंसर खुलते, यार अपना ब्राउजर चेंज करके देख लो, बिकॉज वी हैव लिटरली ट्राइड इट आउट फ्रॉम मेनी डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, दे आर ओपनिंग,
तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर जाओ पढ़ो। एंड में भी अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं हुई, अभी भी फोकस्ड वे में रहकर, यू नो, यू गाइस कैन डेफिनेटली, यहाँ पे ये जो आपको चेकलिस्ट दिख रही है ना, यहाँ पे जो आपको चेकलिस्ट दिख रही है, आबरा का डाबरा, डाबरा का जू, जल्दी से बंद कर दी थी शायद मैंने, इसके अंदर ना जो लैब वन के चैप्टर्स हैं वो मोस्ट ईजी चैप्टर्स टू स्कोर, मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर्स टू स्कोर है। देख लेना यहाँ पे, पता नहीं क्यों हैंग हो गया है। एनी वे, एंड हाँ, यहाँ पे ये वाले जो हैं, एंड जो बोल्ड वाले हैं वो आपके हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, तो जितना आता है उसको ढंग से कीजिए। या आपकी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रिविजन की मैराथॉन्स लगी हुई हैं, या आपके मॉक टेस्ट है सर, इसके बाद ना ये मॉक टेस्ट के इन दोनों के भी सोल्यूशन हम डाल देंगे अभी, टेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ 5 and 6 ऑल्सो आई गिव, ताकि आप अपनी उस पर पढ़ सके ना, क्वेश्चन पेपर दीजिए, सोल्यूशन देखिए, एंड दैट इज हाउ वी गो अहेड एंड डू इट। बाकी चैनल पे ऑलरेडी मैं आपके साथ गाइडलाइंस शेयर कर चुकी हूँ, क्या लेके जाना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, एवरी थिंग आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। द आइडिया बिहाइंड द चैनल इज कि मैथ के लिए तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, राइट एवरीवन। चलिए फिर, ऑन दैट नोट, आई एम श्योर ये नोट्स भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे, एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखा देंगे, हर एक बच्चा वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड कॉमेंट छोड़ के ज़रूर जाए, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर इज़ योर फीडबैक, ठीक है। तो चलते हैं फिर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है, मेक श्योर टू डू ऑल ऑफ दिस, बाय बाय।